हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी वाला दिस इज सोनिया आउजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट पीडब्ल्यू डब्लू ओनली एज ऑल इंडिया ओपन फिल्म मॉक टेस्ट 2024 दिस इज अ टेस्ट दैट विल कवर जीएस एस एज वेल एज सी ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है थर्टी मार्च फोर्टीन अप्रैल फिफ्थ मे और सेकेंड ऑफ जून को ये एग्जाम होगी अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो कहीं से भी दे सकते हैं ऑफलाइन के लिए चार सेंटर्स अवेलेबल हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द मॉक टेस्ट

ऑफ्टर एग्रीकल्चर एक्चुअली एक खुद का सब्जेक्ट भी बन जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ हाउ वास्ट इट इज अब एग्रीकल्चर को समझने के लिए हमने किस तरीके से इनको दो चैप्टर में डिवाइड किया है एक है वी अंडरस्टैंड दैट दर इज गवर्नमेंट ठीक है एंड दर स्टेट नेशन स्टेशन स्टेट जो है सॉरी गवर्नमेंट एंड नेशन अब आपको समझना होगा कि सरकार कुछ स्कीम्स कुछ लॉज और बनाती है क्योंकि उनके कुछ आ, एम होते हैं जैसे हो सकता है गवर्नमेंट चाहती हो कि इंडिया फूड सिक्योर हो जाए कि कभी भी हमारे देश में अनाज की कमी ना पड़े हमें बाहर से ना लाना पड़े कई बार एम होता है कि भाई हमारे देश में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए एक और एम हो सकता है कि भाई हमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना है यू नो इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स ये गवर्नमेंट की एक देश की ये सब एम्स हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है कई सारे लॉज और पॉलिसीज़ निकालती है

क्यों एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है क्या वो एम्स हैं जो सरकार और ये देश चाहता है एग्रीकल्चर से क्यों एग्रीकल्चर को बड़ा करना ज़रूरी है ग्रो करना ज़रूरी है क्या हडल्स हैं उसको ग्रो करने में कौन सी स्कीम्स और पॉलिसी गवर्नमेंट ले रही है मतलब अप्लाई कर रही है ताकि वो फार्मिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके इसमें हमने यू नो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा राइट सो वी अंडरस्टूड वॉट द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट इज़ अफेक्टिंग द फार्मिंग एंड द विलेजेस बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टेक अ बॉटम अप्रोच अब हम समझेंगे द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर ठीक है फार्मर को क्या क्या नॉलेज होता है वो क्या क्या कर सकता है उसके क्या क्या अधिकार हैं और क्या उसकी ज़रूरतें क्या है उसके हिसाब से फार्मिंग कैसे हो रही है उसके बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे सो हेंस दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड द चैप्टर तो वॉट आर वी गोइंग टू कवर टूडे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में इरीगेशन कैसे होता है इरीगेशन इज द टेक्निक ऑफ़ बेसिकली पानी देना और उगाना उस प्रोसेस को इरीगेशन बोलते हैं कि किस तरीके की कि टेक्निक्स यूज़ की जाती है फार्मिंग सिस्टम्स के क्या क्या हैं सीड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा उसके रिगार्डिंग उसके आसपास एक अपना खुद का सब्जेक्ट है कि हम सीड्स कहाँ से लाते हैं क्यों पूरी दुनिया यूज़ कर रही है बहुत सारे जी सीड्स पर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं क्यों ऐसे लॉ लगाए हुए हैं और वॉट आर जी सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस तरीके ये कौन से कौन सी है इस वक्त इंडिया में कौन सी हमने बैन कर रखी है एंड ऑल दैट प्लस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फार्मर्स राइट एक्ट 2001 का कि क्या हुआ था जब ये एक्ट आया था उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड्स इन एग्रीकल्चर तो उसके बारे में समझेंगे कि किस कि, किसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोलते हैं उसका यू नो सर्टिफिकेशन किस तरीके से होता है फिर हम बात करेंगे कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसे कहा जाता है एग्रीकल्चर सेंसस किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से सेंसेस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ लिया है कि वाई इज सेंसिस इंपॉर्टेंट बट वो कहाँ से आता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री विच यू नो रियरिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द फार्म्स प्लस इंडिया का मिशन क्या है ऑन लाइफ स्टॉक्स वॉट डज इंडिया टेन टू एम इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ स्टॉक वी हैव इसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ जो कल ही न्यूज़पेपर में आया था uh, इंडिया की जो नल्लोर ब्रीड की गाय है वो इट्स बिकम वर्ल्ड फेमस फॉर बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव काओ टू बी एवर सोल्ड इन द वर्ल्ड इट्स लाइक सम 400 करोड़ और समथिंग सो डू रीड अबाउट इट नेलोर गाओ व्हाट आर द फीचर्स आई फील लाइक दिस कैन बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैप्टर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है वो चीज़ जिसके कारण से निल्लोर जो गाय है वो वर्ल्ड फेमस है और जो अभी बिकी है उसमें जो एक्चुअली ये गाय अभी इस तरह बैल है मतलब मेल गाय आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड द मेल हैज बीन सोल्ड टू थ्री डिफरेंट पीपल फॉर लाइक अ ह्यूज अमाउंट एंड द रीजन बीइंग इज सो बेसिकली ही इज़ नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन इज ओन बाय लाइक थ्री पीपल हु यूज दिस मेल टू रिप्रोड्यूस द काउज फॉर मिल्क सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट ऑल्सो इज वेरी शान की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ की गाय जैसे हम माता मानते हैं That is you know world famous. So read about that. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं contribution of agriculture sector GDP mein hame में हमें पता है कि हम जब भी dekhte hain देखते हैं तो सबसे पहले यही आता है sabse में सबसे पहले यही चीज ki bhai कि भाई what is the percentage of agriculture gdp mein kitna hona chahiye में कितना होना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो हम यहाँ पे जी नहीं जी देख रहे हैं जी मतलब क्या होता है ग्रोस वैल्यू एडिशन ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब आपको वैल्यू एडिशन पता होगा जैसे हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि भाई कोई इंसान है उसने जो है दस रुपये पर केजी के के हिसाब से आ, आलू उगाए वाट एवर ही यूज ही यूज सीड्स ही यूज लैंड ही यूज वाटर और उसने ना खूब सारे आलू उगाए और वो 10 किलो पे थे उसने इसको फिफ्टीन रुपीज़ पर के में बेच दिया फिर किसी ने उसको ख़रीदा और उसके पटेटो चिप्स बनाए जो कि एट्टी रुपीज़ के हो गए तो यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन हुआ ये ये तो तो वैल्यू ये हुई उसकी और ये उसका वैल्यू एडिशन हुआ ऑफ हाउ मच रुपीज सिक्सटी फाइव वैल्यू एडिशन सो दिस दिस इज वैल्यू एडिशन है ना एंड देन दिस अनदर सिक्सटी फाइव तो अब जब आपके हाथ में चिप्स आता है तो दैट पोटेटो हैज द वैल्यू ऑफ एटी रुपीज पर के जी ओके सो वैल्यू एडिशन इज बेसिकली जब आप किसी चीज को इस तरीके से कुछ चेंज करते हो जिसमें जिसकी एक पैसों के पैसों में काउंट करने वाली वैल्यू बन जाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2020 में हमारा जो टोटल इकोनॉमी है उसका एग्रीकल्चर करंट प्राइसेस पे 20 परसेंट था वो अब कम होता जा रहा है 19 फिर 18 वी आर सीइंग दैट ओवर द इयर्स जीवीए वैल्यू प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर इज रिड्यूसिंग और उसी का डाटा आपको ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी इलेवन के यू नो प्राइसिस पे भी दिया हुआ बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि Uh, जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास एक बेस ईयर होता है वैसे एग्रीकल्चर के लिए भी एक बेस ईयर होता है uh, जिसको बहुत सारे अलग अलग यू नो चीज़ों पे डिसाइड होता है उसमें कोई ड्रॉट नहीं आया होना चाहिए uh, बहुत सारे रीजंस होते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और उस ईयर को फिक्स किया जाता है ताकि आप समझ सकें कि इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों का असर ना हो इस वैल्यू पर ताकि हम इसे हिस्टोरिकल कंटेक्ट में समझ सकें सो दिस प्राइज़ यूल सी हियर ऑल्सो यहाँ पे तो आपको किसान दिख रहा है कि बस वन पॉइंट यू नो इट जस्ट रिड्यूज वन पॉइंट जस्ट टू पॉइंट बट यू कैन सी फ्रॉम दिस इट शोज दैट इट्स मच मोर डीप इट गोज इट मच मोर वाइडर ओके बिकॉज ट्वेंटी से नाइनटीन होना और फोर पॉइंट वन से थ्री पॉइंट फाइव होने में बहुत फर्क होता है ओके सो इफ यू आर सींग इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी दैट ड्रास्टिकली एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जी डी पी अब ये समझने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है विल अंडरस्टैंड आगे वाई वी वाई वी सो दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है अब हम समझेंगे आगे कि क्या हो रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है सबसे पहले फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स में ये सारी चीज़ें आती है और ये प्रोडक्शन लाख टन्स में ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में हुआ है तो फूड ग्रेन्स में क्या क्या आते हैं राइस व्हीट सीरियल मेज पल्सेस तुअर और ग्राम उसके बाद ऑयल सीड्स उसमें आते हैं ग्राउंड नट सोयाबीन एंड मस्टर्ड रेप सीड एंड मस्टर्ड और उसके बाद ये तीन है लास्ट में दिस इज बेसिकली आप इनको ये भी एक कैटेगरी वैसे तो ये अपने आप में ही एक कैटेगरी है बट यू कैन गिव इट एज लाइक कैश क्रॉप कैटेगरी ठीक है तो कॉटन जूट मेस्ता शुगर केन तो दिस इज हाउ मच इट इज बीन प्रोड्यूस्ड एज दिस डाटा इज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नाउ इरीगेशन इन इंडिया वॉट आर द चैलेंजेस इरीगेशन की जो प्रोसेस है इंडिया में अब जब भी हम बात करते हैं कि यू नो एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है तो हम कहते हैं कि नो इट इट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन राइट कि लोगों लोगों का पेट भरता इसे इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड्स वी नो वी नीड और हमने देखा है हिस्ट्री में भी कि जब भी इंडिया में अनाज की कमी पड़ी है इट हैज़ बीन अ क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल थिंग फॉर इंडिया सो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो हम समझते हैं तो प्रॉब्लम क्या है वॉट आर द चैलेंजेस इंडिया इज़ हैविंग इन बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो कंट्री विद क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है वी आर वन ऑफ वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री एंड प्लस इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर नॉट स्मॉल हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का लैंड है तो ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं इंडिया इरीगेशन में सबसे पहला तो इंडिया में सेवेंटीन परसेंट दुनिया की पॉपुलेशन है लेकिन सिर्फ चार परसेंट वर्ल्ड का वाटर रिसोर्सेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि पानी हमारे पास उतना नहीं है सत्रह परसेंट पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे लेकिन पानी सिर्फ चार परसेंट है उसके बाद इंडिया का वाटर स्ट्रेस जो है उसके कारण क्योंकि 50 परसेंट जो है, इरीगेशन है पूरे देश में जितनी भी इरीगेशन होता है उसमें से 50 परसेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली हो सकता है क्योंकि इट इट इज़ डन थ्रू रिवर्स एंड यू नो ग्राउंड वाटर दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू आउट लेकिन दूसरा 50 परसेंट जो है मतलब देश का आधा एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करता है अब मानसून इज़ अ नेचुरल फिनोमिना ठीक है मानसून और हमने देखा है नेचर कंसिस्टेंट कभी भी नहीं होती है नेचर चेंज भी होती रहती है अपने प्लस हमारी एक्टिविटीज़ से भी नेचर पे फ़र्क पड़ता है और कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ का कैसे यू you नो know, असर पड़ सकता है जैसे uh, ग्लोबल वार्मिंग जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक चीज़ के कारण नहीं हुआ है इट्स नॉट जस्ट ऑल द यू नो सी एफ सीज इट्स ऑल्सो अदर थिंग्स वी आर डूइंग इट्स द इंडस्ट्रीज इट्स यू नो पर्सनली हमारा ह्यूमन बीन्स का कार्बन फुट प्रिंट बढ़ चुका है इट्स ऑल्सो द व्हीकल्स इट्स ऑल्सो द फैक्ट्रीज ओके इट्स ऑल्सो लॉड ऑफ अदर थिंग्स तो क्या होता है कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें ये पता नहीं रहता है हमें कि कौन से एक्शंस उसको खराब कर रहे हैं एंड नेचर पर इफेक्ट हमेशा बहुत प्रोफाउंड रहता है तो किसी भी टाइम पर हम जब कम्प्लीटली एट द बेहस्ट वे वेन वेन एवर वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर हमें हमेशा थोड़ा सा स्टेप लेके रखना पड़ता है क्योंकि नेचर कभी भी अपना रुख बदल लेती है सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन द मानसून तो अगर जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एम क्या है कि भाई इंडिया को इंडिया के गवर्नमेंट का एम है कि हमारे यहाँ की फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है ठीक है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि पानी की कमी है इसलिए साल में मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं हो पाती है कई बार ओके okay, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमेशा देर इज वाटर शॉर्टेज पानी की हमेशा कमी रहती है अब यहां पे देखो इरिगेशन इंडिया किस तरीके से होता है ट्यूबवेल ट्यूबवेल इज बेसिकली ग्राउंड वाटर ठीक है और वेल्स तो ये पूरा जो है 16 प्लस फोर्टी ओके विच इज सिक्सटी परसेंट जो है वो तो ग्राउंड वाटर हो गया ठीक है उसके अलावा केनल्स ठीक है और टैंक्स भी कैनाल से या फिर अंडरग्राउंड uh, से ही भरते होंगे ये थ्री परसेंट तो चलो ठीक है तो बेसिकली आप देख रहे हो टोटल डिपेंडेंसी तो अदर सोर्सेस दिस मीन्स मोस्टली यू वुड से दैट अब रिवर्स में भी पानी एट द एंड ऑफ द डे जाता है uh, बारिश से ही बारिश से या सीजनल चेंजेस से राइट सो यूर सींग दैट हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट करता है ग्राउंड वाटर उस पे पर फॉर इरीगेशन अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जब हम इतना ज़्यादा वाटर टेबल पर डिपेंडेंट है और आपको समझना होगा वाटर टेबल दिस इज अंडरग्राउंड वाटर इज़ नॉट फाइनाइट ठीक है उसको भरने में भी समय लगता है उसको वापस से आने में समय लगता है और जिस तरीके से हम उस पर डिपेंडेंट है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म और हमारा इरीगेशन बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है अब टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है ये करने के लिए उसमें एक है सरफेस फ्लड दूसरा है ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो और स्प्रिंकलर तीनों के बारे में समझेंगे सरफेस मतलब क्या है जब पानी को छोड़ दिया खेत में और अपने आप यू नो पानी सब जगह जो है भर जाता है एंड देन उसको उस पानी को मेंटेन किया जाता है ताकि रेगुलरली यू नो पौधों को पानी मिलता रहे तो उसे कहते हैं बेसिन आपने राइस देखा होगा कई बार इस तरीके से उगाया जाता है फिर अगर आपको मान लो अब इसमें इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है खुद में भी कि भाई आ, क्योंकि खुली फील्ड है तो कहीं सारा पानी उड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है और आ, उस इतना पानी हमारे पास है नहीं तो दिस हैज़ इट्स ओन ईश्यूज़ फिर आता है फ़रो फरो, फरो इज़ इस मतलब ऐसे मेड़ होती है जिसमें क्या किया जाता है एक तरीके से मिट्टी को यू you नो know, कोम uh, कर दिया जाता है ऑलमोस्ट और हिल्स छोटी छोटी हिल्स बना दी जाती है जिसपे पेड़ उगाए जाते हैं और चैनल्स बने होते हैं उसके साइड में और इन चैनल्स में पानी छोड़ा जाता है सो so दैट ज़्यादा पानी ना भरा रहे और पौधों को पानी भी मिलता रहे सो दिस इज़ अ फेरो बट ये भी इसमें भी काफ़ी पानी होता है क्योंकि वेस्टेज तो फिर भी होता है उतना पानी जो है उड़ जाता है बिकॉज स्टिल एट सरफेस उसके अलावा फरो फार्मिंग बहुत लेबर इंटेंसिव होती है बिकॉज आप जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हो वो आपको ऐसी यूज़ करनी पड़ेगी जो यू नो पौधों को ख़राब ना करे और इन इन माड़ में से यू you नो know, निकल जाए उसके अलावा भी इस इस टाइप की फार्मिंग की बहुत आ, बहुत इश्यूज है पर पानी कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिन हाउएवर पानी फिर भी बहुत लगता है एकदम मिनिमल नहीं है ये अब ये जो बेसिन और फरो है ये दोनों ही के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तभी हो सकती है जब आपका लैंड प्लेन हो ठीक है अगर इफ़ यू हैव एनी स्लांट अगर आप ज़रा से भी पहाड़ पे हैं पहाड़ी इलाके में हैं थोड़ा सा भी उबड़ खा खाबड़ है अगर ऊपर नीचे है लैंड तो वहाँ पे ये दोनों नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे तो देन उसके लिए आता है एक चैनल करके आ, बेसिकली इसको अलग अलग नाम से कोई कॉन्टोर भी कहा जाता है कॉन्टोर फार्मिंग जिसमें बेसिकली स्ट्रिप्स बना दी जाती है और आ, आपने टेरेस फार्मिंग देखी होगी तो कई बार बेसिन टेरेस फार्मिंग होती है जिसमें जिसे बेसिकली बॉर्डर फार्मिंग भी बोलते हैं बॉर्डर फार्मिंग इज़ बेसिकली कि थोड़े से हिस्से का बॉर्डर बना दी जाती है उसको प्लेन कर दिया जाता है उसमें पानी भर दिया जाता है ओके okay, बिकॉज पूरा तो प्लेन नहीं हो सकता बिकॉज इट्स इट्स ऑन अ स्लैंड और फेरो वार्मिंग अगर आपको करनी हो तो उसके लिए एक कॉन्टोर फार्मिंग कर यूज़ किया जाता है इरिगेशन तकनीक है जिसमें अगेन ऐसे ही फेरो बने हुए रहते हैं लेकिन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी स्लैंड को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है और ऐसे ऐसे मतलब इट्स सपोज एक कॉर्नर से पानी छोड़ा जाता है एंड द आइडिया इज धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है तो स्लोली 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 इट ट्रिकल्स डाउन एंड कवर्स द होल फील्ड एंड सो यू नो चैनल्स आर मेड लाइक दिस पहले इधर इधर से छोड़ेंगे इधर से आउट हो जाएगा और इस इस लैंड को मैनेज किया जाता है जीरो पॉइंट फाइव के अंडर अंडर ताकि स्लोली स्लोली जो है पानी यहाँ से छोड़े तो वहाँ तक होते आप जाते जाते इट विल यू नो कवर द एरिया एंड द प्लांट्स विल गेट द वाटर सो ये कुछ तरीके होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आ, अभी इस वक्त इंडियन फार्मिंग में देन कम्स ट्रिप ड्रिप इरीगेशन या ट्रिकल ट्रिकल इरीगेशन ये एक मॉडर्न तरीका है पानी बचा के आ, फार्मिंग करने का इसका जो आइडिया है वो आया है बैम्बू फार्मिंग से जो कि नॉर्थ ईस्ट और माउंटेनस रीजन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द वाटर सो लेकिन कई बार स्प्रिंग्स होती है जो पहाड़ से निकलती है एंड लोग उसमें बैम्बू लगा के बेसिकली इस तरीके का एक सेटअप बनाते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा पानी ट्रिकल होकर उनकी फील्ड तक आता जाता है तो इसी से सीख के क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता है ओवर द पीरियड तो इसी से इंस्पायर होकर बेसिकली एक ये मैकेनिकाइज्ड सिस्टम है जिसमें आ, पूरे खेत पे पाइप्स डाले जाते हैं और उस पर स्प्रिंकल्स लगाए जा ये ऐसे मशीन लगाई जाती है छोटी सी टूल जिसपे आप भी जब पानी ऑन करते हो तो थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप होता रहता है पूरे टाइम अब इससे क्या होता है क्योंकि पानी इस तरीके से सरफेस पे नहीं है तो इसलिए ज़्यादा उड़ता नहीं है तो कम पानी में आपके पौधों को पानी मिल जाता है दिस इज वन सिस्टम विच इंडिया इज विच इंडियन गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर द फार्मर्स टू यू नो टेक अप उसके बाद है स्प्रिंकलर सिस्टम ये अगेन इज वेटी सिमिलर टू द ड्रिप सिस्टम बट ये ये इतना एफिशिएंट नहीं है इसको और हम कम पानी से कर सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए यू नीड अ लिटिल बिट मोर एनर्जी एंड इट इट इज़ स्टिलिटल मोर वाटर कंज्यूमिंग दैन अदर्स एंड दिस इज़ ऑफ्टन यूज जहाँ पर uh, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप इरीगेशन से जिसमें ना हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है एक और तरीका यूजली स्प्रिंकलर्स इंडिया में तो मैंने सिर्फ गोल्फ कोर्सेज और गार्डनस में देखा है या फिर पर्सनल गार्डनस में खेतों में मैंने स्प्रिंकलर्स इतने नहीं देखे हैं बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ आउट ऑफ इंडिया यूज वेरी मच स्प्रिंकलर सिस्टम अब सबसे अब फार्मिंग की बात करते हैं कि फार्मिंग सिस्टम्स कौन से कौन से होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट्स बेसिकली जब जितना भी आप अपने फार्म पे उगा रहे हो वो सब कंज्यूम हो जाए तो उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है ठीक है प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आप देखोगे जो डार्क रीजन्स है मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड यू नो वेस्ट ईस्ट एशिया ये रीजन यहाँ पे आप देखो मिडल ऑफ अफ्रीका एंड नॉर्थ नॉर्थ साउथ अमेरिका इन रीजन में प्रमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर बहुत होता है जहाँ पे लोग अपने फार्म्स में वो चीज़ें उगाते हैं और उसको 100 परसेंट कंज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा बचाते हैं एज अ सीड अगले अगले साल के लिए तो उसमें क्या होता है ये यूजुअली वेजिटेशन uh, जो है इस तरीके से uh, हटाया जाता है कि जैसे आपने उगा दिया आपने फल फ्रूट जो भी था वो काट लिए उसमें से बची हुई जो फसल है उसको आग लगा दी जाती है और वो जो आग है उससे जो ऐश बनता है वो वापस सॉइल में चला जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी वापस आती है और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको यूजुअली पैचेस में किया जाता है स्मॉल लैंड्स पे किया जाता है और बहुत प्रमेटिव टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे यू you नो know, फावड़ा और यू नो स्टिक्स एंड होज नथिंग फैंसी इज़ यूज नथिंग मैकेनिकल हाईली मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल इज़ यूज दिस इज़ डन प्राइमरीली हाउ आर फोर फादर्स हैव डन इट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स उसके बाद सम तीन से चार पाँच साल तक उस लैंड की फार्मिंग होती है उसके बाद वो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है क्योंकि इसमें ऊपर से कुछ ऐड नहीं किया जाता है आप समझ लो दिस इज़ वेरी प्रिमेटिव इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता बिकॉज ज़्यादातर दिस इज़ डन बाई पीपल हुआ पुअर एंड हैव है स्मॉल पीस ऑफ लैंड तो वो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते हैं सॉइल में उसको बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो बस क्या करते हैं और यूजुअली उसको चाहे तीन से पाँच साल तक उस पर जो उगाना है उगाते हैं फिर उसको छोड़ के दे गो टू अदर लैंड लीव इट टू बी रिक्लेम्ड बाय द फॉरेस्ट अगेन ओके सो दिस इज वॉट दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहा जाता है इसको अब वो हर बार शिफ्ट हो तो दैट्स दैट्स डिफरेंट बट दिस इज मोर लाइक ओवर अ पीरियड बिकॉज उसकी फर्टिलिटी चली जाती है देन है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग अब इसमें क्या होता है आप जो उगा रहे हो ना वो आप भी यूज कर सकते हो और यू हैव सरप्लस इनफ टू यू नो बिकम एक्चुअली अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट अभी तक जो हमने देखा था प्रिमेटिव में उसमें आप सिर्फ इतना ही बनाते हो कि आप अपना कंजम्पन कर सको बेच नहीं सकते हो इसमें अब आती है बात ये लोग जो दूसरे लोगों को बेचने के लिए एज अ कमर्शली यू you नो know, उसकी फार्मिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला है पेडी क्योंकि ठीक है पेडी इंटेंसिव इसलिए बिकॉज ज़्यादातर राइस उगाया जाता है डोमिनस ऑफ राइस क्रॉप होल्डिंग्स जो होती है वो स्मॉल होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आप अगर नोटिस करोगे कि इंडिया चाइना सेंट्रल uh, सेंट्रल एशिया भी है ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया एज वेल एज इफ यू गो ईस्ट एशिया इन कल्चर्स में ज़्यादा राइस खाए जाते हैं ठीक है यू माइट हैव नोटिस दैट है ना स्पेशली चाइनीज़ फूड एंड ईस्टर्न फूड द रीज़न बींग बिकॉज लोगों के पास स्मॉल होल्डिंग्स है और उनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है टू फीड तो ऐसी जगहों पर यूजुअली इस तरीके का इरिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है फार्मर्स जो हैं वो अपनी फैमिली का लेबर यूज़ करते हैं इस लैंड पर यूज़ होती है मशीनरी बट बहुत लिमिटेड यूज़ रहता है उनके पास फार्म में तो यार्ड मेनूअर होता है मतलब वो आसपास यूजली थोड़ा बहुत यू नो कोई गाय पोल्ट्री या फिर एक आधा गाय या भैल ऐसा कुछ रख लेते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं यू नो टू डू द एग्रीकल्चर प्लस उन्हीं के जो वेस्ट है जो 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 पौधे में से फ्रूट है वो निकाल लिया उसके बाद जो बचता है उसे फिर वो गाय को दे देते हैं बकरियों को दे, दे देते हैं खाने के लिए और उन्हीं के मेन्योर से फिर वापस दे यूज़ इट एज अ फर्टिलाइज़र इन द फील्ड ठीक है इसकी यील्ड जो होती है पर यूनिट बहुत हाई होती है मतलब कि बहुत थोड़े से एरिया में आपको बहुत सारा राइस मिल जाता है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है कितना लेबर की ज़रूरत है uh, पर केजी चीज़ को उगाने में वो बहुत है क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि मशीनरी इतनी है नहीं पर हाँ इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है इसीलिए ज़्यादातर पॉपुलेटेड एरियाज़ में पैडी उगाया जाता है सिंपली बिकॉज दे आर एबल टू यू नो दे नीड मोर ए सिम्पल एसेड लैंड बहुत कम है लोग बहुत ज़्यादा हैं तो दे विल हैव टू इवेंचुअली यू नो ग्रो इट फॉर अदर पीपल देन इट्स द अदर फॉर्म ऑफ इट इज़ विच इज़ डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी सो दिस इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर ही लेकिन पैडी की जगह दूसरी चीज़ें उगाई जाती है आप इफ़ यू सी इन दिस मैप सो द वन विच इज़ डॉटेड दिस इज बेसिकली नॉन नॉन राइस ठीक है सो आप देख लोगे किस रीजन में है जहाँ पर राइस नहीं यूज़ किया जाता है ज़्यादा यूल सी दिस साइड ऑफ वेस्ट ईस्ट साइड ऑफ चाइना मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया ठीक है एंड देन यूल सी सेंट्रल अफ्रीका सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका इन रीजन में ज़्यादातर ये जो है इंटेंसिव फार्मिंग होती है जिसमें राइस नहीं उगाया जाता है और the slashed ones are where rice is done which is usually you'll see is mostly india ka jitna bhi coastal area hai wo and then you see this this places uh, you know laos cambodia malaysia in jagahon par yahan pe bhi non crop crop hai but uh, is region mein bhi kahi sare jagah par जो है rice ही ज़्यादा उगाया जाता है because land बहुत कम है उनके पास कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप rice नहीं उगा सकते because practical नहीं है राइस को उगाने के लिए पैडी के लिए यू नीड वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस तो अब हमने देखा कि उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है राइस जहाँ पे उगाया जाता है वो है प्लेसेस जहाँ पर पॉपुलेशन डेंस हो लेकिन लैंड uh, कम हो लेकिन द अदर नीड फॉर पैडी इज़ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कंडूसिव सॉइल एंड अ लॉड ऑफ वाटर पर हर जगह पे इस तरीके की यू नो क्लाइमेट अवेलेबल नहीं है तो उन जगहों पर जहाँ पर पैडी को उगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहाँ पर वीट सो सोयाबीन बारले सोरगम इस तरीके के यू नो ग्रेन्स की फार्मिंग होती है ज़्यादातर नॉर्दर्न चाइना मंचूरिया नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान में इसी तरीके की होती है इंडिया में भी सेम है वेस्टर्न इंडो गंगा प्लेन्स में अगर आप जाओगे तो वीट उगाया जाता है एंड इफ़ यू गो एनीर साउथ और ईस्ट वेस्टर्न रीजन वहाँ पर यूजअली मिलेट्स उगाए जाते हैं अलग अलग तरीके के नाउ द थर्ड इज़ प्लान्टशन एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर अब प्लांटेशन में क्या होता है बेसिकली जितनी भी क्रॉप्स हमने देखी है आज तक उसमें क्रॉप्स काटने के बाद फिर से उगानी पड़ती है प्लानेशन इज विच आपको बार बार सोइंग नहीं करनी पड़ती है यू जस्ट हैव टू ग्रो द प्लांट वन वंस एंड इट कीप्स गिविंग फ्रूट एवरी ईयर या फिर ऐसे प्लांट जिसकी जैसे जो जो चीज़ें जैसे जिनके आप लीवस यूज करते हो जैसे टी हो गया राइट सो यू डोंट नीड इट टू फ्रूट यू जस नीड्स द टी तो कई बार इस तरीके की जो फार्मिंग होती है ना इसके लिए आपको लार्ज स्टेट की जरूरत पड़ती है क्योंकि यू नीड लार्जर एरिया टू फॉर इट टू बी यू नो यू नो जस्ट इनफ टू मेक प्रॉफिट इन दैट वे इट हैज टू बी इन अ यू नो वेरी स्पेसिफिक एरिया हर जगह पे प्लांटेशन नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है इसलिए वहाँ पे उस तरीके का प्लांटेशन यूजली ग्रो होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है इस तरीके के प्लांटेशन में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मैनेजरल और टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है बिकॉज क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है प्लांटेशन यूजुअली बड़े होते हैं उनको ईयर अराउंड आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है तो यू मोर देन नीडिंग चीप लेबर यू नीड मैनेज करने वाला स्टाफ ऐसा लोग जिनको पता हो वो क्या कर रहे हो टेस्टिंग हो रही हो यू you नो know, पेड़ का पेड़ और पौधों का ध्यान रखा जाए कि वो खराब ना हो बिकॉज दीज आर नॉट वन टाइम थिंग्स ऐसा नहीं है आप इनको काट के दोबारा उगा सकते हो दीज नीड्स टू बी टेकन केयर ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड्स राइट तो उसके बाद ये सिंगल क्रॉप यूजुअली होता है इसके लिए यू you नो know, जब जब आप चीप लेबर तब लेके आते हो जब आपको यू नो पिक करना होता है अदरवाइज़ मेंटेनेंस के लिए यू नीड क्रेडिबल लेबर एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ से क्योंकि यूजली बल्क में पैदा होता है प्लस कई बार इसको प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आसपास ही रहती है टू प्रोसेस इट पैकेट एंड सेंड इट तो इस तरीके के जो प्लान्टशन uh, एस्टेट्स होते हैं ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ के आसपास या मार्केट्स के आसपास ही होते हैं ताकि वो इजीली यू नो Uh, या तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो या उन्हीं के आसपास हो ताकि आसानी से भेजे जा सके इनका फार्म का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए एंटायर ऑपरेशन जो है वो सिर्फ हाथ से नहीं हो सकता है यूजुअली यू नीड अ लॉट ऑफ मशीन्स फॉर इट एंड यील्ड जो होती है पर एकड़ वो लो होती है ठीक है क्योंकि ऑफ क्योंकि लाइक फॉर एग्जाम्पल पेड़ बड़े हैं ना तो उनको ज़्यादा स्पेस लगता है तो जिस तरीके से आप पैड़ी या वीट उगाते हो दे के नॉट बी यू नो डन इन स्मॉल स्पेसेज सो हाउ मच प्रोडक्ट यू आर गेटिंग एक एकड़ में वो कम होता है लेकिन क्योंकि दे आर बिगर स्टेट मैकेज एंड एवरीथिंग एंड इसके कारण इसकी जो पर पर्सन ही, हील गिल्ड होती है वो बहुत हाई होती है गिवन दैट इसकी कैपिटल भी बहुत ज्यादा है राइट आपको पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है बट इफ़ यू आर डूइंग दैट यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मनी सो दिस इज प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग अब हमने लास्ट क्लास में क्रॉपिंग पैटर्न में ना ये वाला हिस्सा पढ़ा था ठीक है दिस वी कवर्ड इन लास्ट क्लास ऑलरेडी सो so, जब भी हम क्रॉपिंग पैटर्न या सिस्टम की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें होती है क्रॉप सक्सेशन मतलब कि एक क्रॉप आपने उगा दी उसके बाद आप क्या उगाओगे वो हो गई क्रॉप ख़त्म उसके बाद क्या उगाओगे सेम चीज़ उगाओगे अलग चीज़ उगाओगे क्यों क्या वो सबको हम क्रॉप सक्सेशन पूछते हैं बोलते हैं उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे या तो आपकी सिंगल क्रॉप होती है या तो आपकी मल्टीपल क्रॉप होती है उसमें भी यू नो सिक्वेंशल होती है या इंटर क्रॉपिंग होती है अलग अलग ये भी है ऑलरेडी कवर्ड एंड द थर्ड इज क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स कि किस तरीके से मैनेज uh, किया जाता है ड्यूरेशन जब वो जो जब फार्मिंग हो रही होती है उसमें क्या क्या करना पड़ता है किस तरीके से करना पड़ता है वो सब सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन इन दिस लेसन दिस वी आर गोइंग टू स्किप बिकॉज वी वी ऑलरेडी स्टडीड ओनली थिंग द वीर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक चीज़ है जो हमने लास्ट में नहीं करी थी विच इज इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइफ स्टॉक इसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी तो वी विल डिस्कस दिस अदर देन दैट वी वी ऑलरेडी कवर्ड इड लेट्स गो टू क्रॉप सक्सेशन क्रॉप सक्सेशन क्या बोल रहा है कि बेसिकली uh, एक साल में अब हर साल तो सेम चीज उगेगी बट या तो एक साल में या फिर विद इन वन सीजन ऑल्सो कितनी बार आप किस तरीके से यू नो यू आर ग्रोइंग द प्लांट सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट उसकी हम बात करेंगे उसके लिए बहुत सारे यू नो दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रॉपिंग इज अ सिस्टम इन विच ओनली वन क्रॉप इज ग्रो इन अ फार्लन इन अ ईयर एक साल में एक ही क्रॉप उगाई जाती है क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक टाइप की उगाई जाती है फिर अगले सीजन में दूसरी उगाई जाती है फॉर एग्जाम्पल एक साल मेज उगाई तो अगले साल बीन्स उगाए सो दैट जो चीज़ें मेज़ के लिए चाहिए होती है जो मिनरल्स वो रिप्लेनिश हो जाते हैं एक साल में एंड देन यू आर बेसिकली लेटिंग इट रिप्लेनिश और उसके बदले आप बीन्स उगा रहे हो नेक्स्ट ईयर दूसरे लोग इसका अल्टरनेटिव करते होंगे जिस साल आपने बीन्स लगाए उस साल वो लगा वो मेद लगाते होंगे इस तरीके से द फ्लो इज कंटिन्यूस राटूनिंग हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था जब फसल बोई जाती है और उगाने के बाद उसके टॉप्स को काट दिया जाता है जड़ों को रहने दिया जाता है अनलेस ये उसमें नहीं हो सकता जिसमें जड़ें ही हम खाते हैं जैसे यू कैन डू दैट फॉर पटेटो बट लेट्स से यू डूइंग फॉर स्टेम्स और लीव्स इन दैट केस यू कैन लीव द रूट्स इंटैक्ट तो क्या होता है जो फर्स्ट प्रोसेस होती है ना सोइंग की वो दोबारा नहीं करनी पड़ती यू कैन जस्ट सो री यूज द सेम थिंग एंड दोबारा क्रॉप उगाया जा सकती है एंड देन मिक्स फार्मिंग मिक्स फार्मिंग बेसिकली इज वॉट आई सेट आर गोइंग टू स्टडी अगेन बिकॉज इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग जिसमें क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में लोग लाइफ स्टॉक भी रखते हैं पोल्ट्री भी रखते हैं फिशरीज या बी कीपिंग भी रखते हैं और बेसिकली एक दूसरे से डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के साथ एक हारमोनी में होता है काम फॉर एग्जाम्पल की जैसे मान लो अब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम राइट वट वुल यू डू उस ड्यूरेशन में जब आप मान लो क्रॉप लगाने का सीजन नहीं है या काटने का सीजन नहीं है तब क्या करोगे तो बेसिकली क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन अपना चलता रहता है साथ में आप लाइफ स्टॉक भी रेस करते हो लाइफ स्टॉक में क्या क्या हो सकता है इधर कैन बी शीप्स गोड्स कैन बी काओ राइट कैन बी बफेलो सो नाउ दीज एनिमल्स गिव यू सेकेंडरी प्रोडक्ट राइट इट कैन गिव यू वूल इट कैन गिव यू मिल्क इट कैन गिव यू अगर पोल्ट्री देखो तो इट कैन गिव यू यू नो मीट एज वेल एज एग्स तो ये एक हो गया दिस विल सब्सटेंशियट्स पार्ट जब आपको यहाँ से इनकम नहीं आ रही है क्योंकि ये इनकम तो साल में दो या तीन बार ही मैक्सिमम तीन बार आ सकती है इफ़ यू आर डूइंग तो बाकी टाइम यू कैन गेट यूर इनकम फ्रॉम हियर प्लस जितने भी लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री और फिशरीज है इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल फिर किया जाता है टू बेसिकली यूज देम एज फर्टिलाइजर्स फॉर द क्रॉप देन बी कीपिंग बी कीपिंग एज यू नो इट्स यू नीड बीज टू बी एबल टू इसशियली फॉर जो आपकी क्रॉप्स होती है उसके लिए बीज की बहुत ज़रूरत होती है तो नाउ यू आर ऑल्सो कीपिंग बीज तो उनसे आपको शहद भी मिलता है प्लस यू आर ऑल्सो एबल टू यू नो मेक श्योर की एवरीथिंग इज हैपनिंग नेचुरली एट यूर ऑफ सो एक ये बोल सकते हो कि एक ये ने, नेचर से जुड़ा हुआ तरीका है ऑफ डूइंग फार्मिंग बिकॉज इसमें आप सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हो और एक दूसरे को ये एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई मेनी नीड्स ऑफ द फार्मर तो इसमें इससे क्या होता है कि एक तो आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं पैसे के राइट ओवर द ईयर्स तो कई सारे फार्मर्स को यही प्रॉब्लम होती है दैट देव टू मैंटेन द मनी एक बर्न को एक साथ पैसा मिलता है एंड देव टू मेक श्योर की दे use it as long as possible because they might not get it again for you know next few months to har jitni bhi zarurat hoti hai of vegetables of you know animal products and of uh, you know other things are needed plus aapko crops bhi mil jati hai usse bhi paisa ban jata hai plus aap kya bolte ho year round kaam kar sakte hain and farmers की जो अलग अलग needs है वो पूरी हो जाती है एक साथ इसका objective obviously ये है कि इसके sustainable भी रहे और profitable रहे क्योंकि हमने देखा है कि जब भी आप जब भी किसी एक प्रोसेस को आप बहुत यू नो मेन स्ट्रीम कर देते हो तो उसके uh, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत आते हैं जैसे इफ़ यू यूज अ लॉर्ड ऑफ पेस्टिसाइड एंड यू नो एंड केमिकल्स इन योर फार्मिंग इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट राइट तो और या फिर अगर आप बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हो और किसी कारण से आपका पूरा पैसा उसी में लगा हुआ है और पूरा आपकी आजीविका उसी पे डिपेंडेंट है और किसी कारण से क्रॉप खराब हो जाए तो देन इट्स इट्स अ डाइंग सिचुएशन फॉर फार्मर राइट क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है इसीलिए वी सी सो मैनी फार्मर सुसाइड्स और वी सी दैट इट्स सच अ रिस्की थिंग फार्मिंग इज नॉट ईजी मेहनत तो है ही है पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है तो अगर आप इस तरीके की मिक्स फार्मिंग करते हो तो इट सॉर्ट ऑफ मिक्स द लाइवलीहुड हुड ऑफ फार्मर्स मोर कंसिस्टेंट इन दैट वे तो ये एक तरीका है फार्मिंग करने का नॉ एट्स टॉक अबाउट सीड्स कुछ भी चीज़ उगाने के लिए किसी भी प्रकार की फार्मिंग करने के लिए यू नीड सीड्स राइट सो जितना कितना ज़्यादा आउटकम होगा एक फार्मिंग का वो डिपेंड करता है कि आप इनपुट कितना अच्छा डाल रहे हो तो so, जितना अच्छा सीड आप यूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपका आउटपुट होगा इसीलिए अगर सीड्स अच्छे नहीं होते तो देन यू हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का सीड है सो so, कई सारी अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप किया गया है इन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सो दैट कि एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो यील्ड ज़्यादा हो आ, ऐसी सीड्स जिसमें ज़्यादा आसानी से बीमारी ना लगे प्लस देर इज ऑल्सो दिस आइडिया की द सीड्स चेंज अकॉर्डिंग टू एजेस मतलब अभी भुट्टा तो इंडिया में भी उगता है और यू नो साउथ अमेरिका में भी उगता है हम नॉर्थ अमेरिका में भी उगता है सब जगह उगता है राइट बट देन देर आर सम ट्रेडिशनल क्वालिटीज ऑफ दिस सीड्स बिकॉज ऑफ वेयर दे हैव बीन ग्रोन इन्वायरमेंट के हिसाब से तो ट्रेडिशनल सीड्स को यू uh, नो you know, uh, बचा के रखना प्लस एक और चीज़ होती है कि um, कोई भी कैलेमिटी आती है ठीक है तो उसके कारण सीड्स अगर ख़त्म हो जाए या किसी पर्टिकुलर खेत में ऐसी बीमारी लग जाए जो सारे पूरे एरिया के सारे फसल को खराब कर दे तो उसको रिप्लेनिश कैसे करोगे सीड को तो ये सब चीज़ों के लिए वी हैव टू पे वेरी यू नो स्ट्रांग अटेंशन टू द काइंड ऑफ सीड्स वी आर यूजिंग एंड हाउ वी डेवलप इट सो री सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है ये बेसिकली जैसे आपको पता है कि जो फार्मर्स फार्मिंग करते हैं वो अपनी आउटपुट uh, का कुछ हिस्सा सीड्स के लिए रखते हैं राइट दे कीप इट सो दैट नेक्स्ट ईयर दे कैन यूज सीड अब उसके अलावा बाजार में भी कई तरीके के मॉडर्न टाइप के सीड्स मिलते हैं तो सीड रिप्लेसमेंट रेशो बेसिकली क्या बोल रहा है कि कितना क्रॉप एरिया उनके फार्मर्स के खुद के रखे हुए सीड से उगाया है और कितना उन्होंने बाहर से खरीद के सीड्स लगाए ठीक है अब बेटर रीड सीड रिप्लेसमेंट शोज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड्स तो जितना ज़्यादा ये रेशो हाई होगा रिप्लेसमेंट रेशो मतलब उतना ही फार्मर्स जो है ज़्यादा अच्छे सीड्स यूज कर रहे हैं तो इसको यूज़ किया जाता है बस बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि सीड रिप्लेसमेंट रेशो क्यों बनाया जाता है और वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट इंडिया का डोमेस्टिक सीड मार्केट जो है वो बहुत कम है इट वॉज ग्लोबल मार्केट का फोर परसेंट ही है इवन दो वी आर लाइक यू नो सेवेंटीन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन फोर परसेंट ऑफ द थ्री परसेंट फोर परसेंट ऑफ द वाटर हम इतना सारा कुछ उगाते हैं वी हैड ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वी आर ट्राइंग टू फीट दिस मास पॉपुलेशन लेकिन फिर भी हमारा जो ग्लोबल मार्केट में इंडियन सीड्स का हिस्सा है वह बहुत छोटा है सो दैट्स वन ऑफ द एम्स ऑफ गवर्नमेंट कि उसको बढ़ाना है बिकॉज इट इट्स लाइक आज जैसे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने ज्यादा होंगे जितने सिक्योर होंगे उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगर आप क्योंकि फार्मिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज नीडेड इज अ गुड क्वालिटी सीड जितना ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा उतना ही हम आ, फ्यूचर में सस्टेनेबली एज वेल एज अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना पाएंगे इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट सिंस 2008 इंडिया जो है ओ का मेंबर है विच इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कि एक सीड स्कीम है ठीक है जिससे बेसिकली इंडिया में होने वाले सीड को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है इज एन एफर्ट टू मेक इंडिया इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल शेयर ऑफ हाउ मच वी प्रोड्यूस सीड्स जनरली गुड क्वालिटी सीड्स अब एक ये कॉन्सेप्ट है सीड विलेज सीड विलेज कॉन्सेप्ट जिसे बीज ग्राम योजना कहा जाता है इसमें बेसिकली फार्मर्स को एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को क्या बोलते हैं ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से वेराइटी ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करो मतलब कि ताकि आप मतलब ये फार्मर्स का काम इस चीज़ के लिए उगाना नहीं है कि वो बेचे उस सामान को मतलब जो भी चीज़ वो उगा रहे हैं उसको कंजम्पशन के लिए बेचे बट दे फोकस प्योरली ऑन गेटिंग गुड सीड्स जो जो वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं अगले साल और अपने आसपास के नेबर्स को भी नेबर्स नेबरिंग फार्मर्स को भी वो सीड्स बेच सकते हैं फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन सो कुछ फार्मर्स को हर जगह पर ऐसे ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से वो इस तरीके के अच्छे सीड उगा सकते हैं और ताकि वो अपनी और अपने विलेज की और अपने आसपास के विलेज की नीड्स को फुलफ़िल कर सके गवर्नमेंट इंडिया ने ये सीड विलेज प्रोग्राम बीज ग्राम योजना 2014-15 में लॉन्च करी थी ताकि जो बीज फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके इस प्रोग्राम के अंडर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है अगर बेसिकली कोई भी फार्मर है ठीक है जो कि अगर यू नो फिफ्टी सीड कॉस्ट उसको या सिक्सटी परसेंट पल्सर्स या ऑयल या फाउडर की सीड जो है वो कॉस्ट गवर्नमेंट देगी इन केस दे यूज़ लाइक सर्टिफाइड सीड्स अगर वो सर्टिफाइड सीड्स यूज़ करते हैं तो उनको इतनी मतलब यू नो कॉस्ट गवर्नमेंट देगी ओके okay? और ये डिपेंडेंट है अवेलेबल टू अप टू वन एकड़ पर फार्मर एक एकड़ के लिए एक फार्मर को इस इस तरीके का दिया जाता है ठीक है सो नाउ यू कैन सी द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज बिकॉज 2019 से 22 में देखो तो हमारा जो सरप्लस है उगने का वो कम होता जा रहा है ठीक है इसके लिए दे वॉन्ट टू डू दिस क्योंकि हम सरप्लस मतलब देखो एट द एंड ऑफ द डे सरप्लस कम होने के दो कारण है या तो दे इज नॉट इनफ इनफ हील्ड अच्छी नहीं है या तो फार्म की या तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है राइट दोनों ही केस में द सॉल्यूशन इज टू यूज इस तरीके के सीड्स जो कि आगे चलकर और अच्छा प्रोडक्शन दे और यील्ड को बढ़ाएं फार्मिंग की तो दैट्स द रीजन वाई वी वॉन्ट टू डू दैट अब सीड बैंक या सीड वर्ल्ड की बात करा जाए तो बेसिकली क्या होता है कि कई सारे जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉर्न वीट ये सब चीज़ें ना हर जगह उगती है तो अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है और जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है ना वो वो हर जगह पर नहीं होता है तो कई बार क्या होता है कि यू you नो know, कोई एक कंट्री एक्सपेरिमेंट करके किसी एक तरीके का यू नो सीड बनाती है उसको वो एक्सपोर्ट करती है मान लो किसी यू नो इसराइल ने कोई पर्टिकुलर सीड जीएम सीड निकाला जेनेटिकली म्यूटेट करके और उसने वो इंडिया को बेचा और इंडिया ने उसको पुश करा तो क्या होगा कि ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि नेचर के साथ खेलना ना हमेशा खतरनाक होता है बिकॉज वी डोंट नो वी डोंट नो इनफ अबाउट इट तो हो सकता है कि हम कुछ करने जाएँ और उसकी जगह उसका आउ, जो आउटकम है वो कुछ और चीज़ ख़राब हो जाए राइट हो सकता है तो इसीलिए क्या होता है कई बार जो हमारी डाइवर्सिटी uh, होती है किसी भी सीड की रीजनल डाइवर्सिटी स्पेसिफिकली ऐसे पौधे जो ज़्यादातर यू you नो know, इंडिया इस रीजन में कमाए जाते हैं तो उनको संभाल के रखने का काम करता है ये सीड बैंक और अभी अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है या कोई ऐसी अनफॉर्चून कंडीशन है जिसमें सडनली uh, मान लो हमने कोई क्रॉप बाहर से सीड्स मंगवाए और उसने क्या करा वो उगे तो बहुत अच्छा लेकिन कोई एक कंडीशन के कारण आउटपुट नहीं आया तो ऐसे में लोग भूखे ना मर जाए ड्रॉट ना हो जाए इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर सीड्स की ज़रूरत पड़ती है इन सीड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस लाया जा सकते हैं इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट एक तरीके का ग्लोबल सीड वॉल्ट पूरी दुनिया का जो सीड वॉल्ट है वो इस वक्त साल सवालबार्ड स्वा, नॉर्वे में है देन सो व्हाट आर लैंड रेसेस लैंड रेसेस आर बेसिकली जो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं ना मतलब जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह पे सेम ही राइस तो सब जगह ही उगता है लेकिन हर जगह अलग अलग तरीके के वेरियंट रहते हैं तो उन वेरिएंट को जो है उन वेरिएंट जो कि नॉ नॉनेचुरली कल्टिवेटेड क्रॉप्स के सीड्स हैं उनको रखना कमर्शियली ग्रो करने के लिए और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने के लिए ताकि उनसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकें टू एक्सप्रेस सर्टेन ट्रेड क्योंकि जैसे मान लो मैंने बताया कि कोई इसराइल में किसी ने जेनेटिकली म्यूटेट करी कोई चीज़ और उसके बाद बहुत अच्छा प्लांट हुआ लेकिन प्रॉब्लम क्या है हो सकता है जेनेटिकली म्यूटेशन के बाद जो प्लांट था वो किसी तरीके से बहुत अच्छा हो गया वो सीड से जो प्लांट आया वो रेजिस्टेंट हो गया लेकिन वो सीड जहाँ का होगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बढ़िया रहेगा हो सकता है कि वी माइट नॉट बी एबल टू यूज़ द सेम सीड इंडिया बिकॉज इट माइट नॉट यू नो बी एबल टू ग्रो इन द सेम इन्वायरमेंट दैट इंडिया हैज़ तो क्या होता है कि वी जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं सीड्स में टू मेक इट बेटर उन्हें इंडिया के जो यू uh, नो you know, uh, अकरिंग कॉमनली कॉमनली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं उनमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सो दैट फॉर दैट यू हैव टू बेसिकली मेंटेन दैम आपको रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो आपको अपना खुद का एक यू नो लोकल सीड बैंक मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसमें यू कैन देन यू नो डू द सेम एक्सपेरिमेंट टू सी वेदर द काइंड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज सक्सेसफुल और नॉट ओके सो दिस इज कॉल्ड लैंड रेसिस जीएम एम क्रॉप क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेसिकली हमने बीटी uh, कॉटन में इसको पढ़ा है बहुत बार स्कूल में भी आता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इस वक्त इंडिया का नाइन्टी परसेंट जो कॉटन कॉटन इंडिया में उगाई जाती है वो बीटी कॉटन है ये एक बेसिकली जीन्स को म्यूटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है उस उससे बचाना है तो उस बैक्टीरिया का डी यूज़ करके वी क्रिएट ऐसा सीड जिसमें जो इम्यून होता है फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया राइट एंड इसे हम यूजली पेस्ट रेजिस्टेंट होता है और उसमें ज़्यादा हर्बिसाइड्स की ज़रूरत यू नो टॉलरेंट होता है मतलब जो हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं उसका एट द एंड ऑफ द डे आप जब उगा रहे हो तो वीड्स भी उगते हैं राइट सो देन हर्बिसाइड्स आर बेसिकली उस वीड को मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है उसे बोलते हैं हर्बिसाइड्स इनका असर प्लांट पर भी पड़ता है ऑब्वियसली तो उससे बचें और जो भी दूसरे आ, किसी तरीके के पेस्ट कंट्रोल अगर यूज़ किए जा सकते हैं केमिकली उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ठीक है इंडिया में यूजुअली अभी तक सिर्फ कॉटन पे ही इस्तेमाल किया गया है बिकॉज कॉटन इज नॉट कॉटन इज नॉट समथिंग दैट वी कंज्यूम ठीक है उससे कपड़े बनते हैं इसलिए उसके लिए अप्रूव किया गया है आई थिंक हैव ऑल्सो अप्रूव्ड इट फॉर ब्रिंजिल पर दैट इज़ स्टिल यू नो ब्रिंजल एंड मस्टर्ड बट वो स्टिल अभी भी अंडर वे है देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्लो जो चेंज लाने की जो प्रोसेस है लीगली वो काफ़ी स्लो रही है फॉर लॉट ऑफ रीजन विल स्टडी आगे बट कमर्शली इस वक्त सिर्फ कॉटन ही उगाई जाती है बाकी सब नहीं हुग. बाकी किसी फ्रूट प्रोजेक्ट फूड प्लांट को इस तरीके से जी एम मॉडिफाइड सीट से नहीं उगाया जाता है अगर इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनका हेरिडिटरी मटेरियल को अल्टर किया गया हो मतलब उसका खुद का जो हेरिडिटरी डी एन ए है उसको इस तरीके से अल्टर किया हो कि वो नॉर्मल तरीके से काम ना करे और बेसिकली रेगुलर कॉम्बिनेशन मतलब कि उसको ऐसा कोई चेंज जो खुद से नहीं हो सकता ठीक है उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं ये जो चेंज लाया गया है वो मैन मेड है अपने आप इंटरब्रीडिंग से नहीं हो रहा है तो ये डेफिनेशन दी है डब्ल्यू ने कि हम किसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं जीन मॉडिफिकेशन प्लांट कैसे परफॉर्म किया जाता है कोई भी फ़ॉरेन जीन दी जाती है और उसको बेसिकली प्लांट की खुद की जीन में इंसर्ट किया जाता है विल नॉट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट इट्स वेरी इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इट्स नॉट जस्ट लाइक यू नो कई लोगों को पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था कि uh, जीन मॉडिफिकेशन इज़ वेरी सिमिलर टू जब दो प्लांट्स को काट के और चिपका देते हैं ना सो दैट दे एन दैन टेप लगा देते हैं इट्स नॉट लाइक दैट इट्स इट्स एक्चुअली वेरी इंटीग्रेटेड वेरी डेलीकेट मेथड ऑफ डूइंग इट एंड इट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीन्स वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल आफ्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है प्लांट जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाता है जीन कैन ऑल्सो भी अल्टर थ्रू केमिकल रेडिएशन तो और भी तरीके होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉरेन जीन को दूसरे में डाल दिया ऐसे होता है रेडिएशन से हमको पता है ये बात कि जैसे जब भी कैंसर होता है तो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं रेडिएशन लेते हैं तो उनके बाल चले जाते हैं या फिर यू you नो know, इनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है इट्स सिंपली बिकॉज किस तरीके से हमारे शरीर के कोई भी सेल डिवाइड होते हैं उसको अल्टर करता है रेडिएशन तो सेम तरीके से रेडिएशन को प्लांट्स में भी यूज़ किया जा सकता है सो दैट दे डिवाइड इन अ वियर्ड वे और अ डिफरेंट वे देन दे नॉर्मली डू सो उस तरीके से या फिर स्पॉन्टेनियस अल्ट्रेशन स्पॉन्टेनियस अल्ट्रेशन मतलब बस एक्सपेरिमेंटल कुछ में कुछ डाल के देख लिया क्या हो रहा है एंड ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग इज टू बेसिकली जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको चाहिए जैसे फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया का डी एन ए लिया एक्सट्रैक्ट किया आइसोलेट किया उसकी क्लोनिंग करी और फिर उसको जो है सेल और टिश्यू कल्चर में ऐड किया और उससे एक प्लांट उगाया और फिर उनकी ब्रीडिंग करके देन यू गॉट सीड्स सो एक ये तरीका होता है दिस यू कैन कॉल इट मोर ट्रेडिशनल वे ऑफ जेनेटिकली मॉनिटरिंग सो नॉर्मन बोरलॉग जो है विच इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन उन्होंने भी कहा है कि जी सीड्स का इस्तेमाल हमें और बढ़ाना चाहिए इससे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हंगर है वो कम हो सकती है बिकॉज वी स्टिल लिव इन अ टाइम इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जहाँ आज भी ऐसी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती है जिनके पास इनफ खाने के लिए नहीं है वेर एज देर आर कम्युनिटीज़ जहाँ पर ओबेसिटी ओवर ईडिंग एंड फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम है तो आई मीन आई हैव माई डाउट्स ऑन दिस बट दिस इज़ वॉट हिज व्यू इज़ वो खुद कहते हैं कि हमें हो सके जितना ज़्यादा जी एम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल नेवर गो हंग्री जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेसल कम्युनिटीज अब इंडिया ऑफकोर्स आप कभी भी आप नेचर से छिड़छाड़ करते हो ना तो आप देखोगे इट हैज़ टू हैव अ वेरी प्रॉपर प्रोसीजर बिकॉज एक नेचर से छेड़छाड़ का कैटस्ट्रॉफिक आउटकम हो सकता है एक चाइना में जब कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पर एक बर्ड थी जो आई प्रोगेटिंग द नेम स्पैरो वो है ना दाना खाती थी तो क्योंकि माओ वॉज ट्राइंग टू क्रिएट दिस एंटायर थिंग जहाँ पर वो कह रहा था कि हमें यू नो हमारे ज बिकॉज दे वार ट्राइंग टू यू नो कल्टिवेट दिस क्या बोलते हैं कम्यूनिटी फार्मिंग टाइप से तो उसमें उन्होंने कहा था कि ना हमें इस पैरों को मार देना चाहिए बिकॉज ये हमारे मेहनत का हमारे ब्रदर्स का मेहनत का अनाज जो है वो खा जाती है तो लोगों ने क्या किया दे स्टार्ट किलिंग दिस बर्ड अब दे फो आउट कि ये बर्ड हाँ ये बर्ड थोड़ा सा ग्रेन खाती है बट ये बर्ड दूसरे पेस्टिस पेस्ट को भी खाती है छोटे छोटे कीड़ों को भी खाती है जो प्लांट को असर करते हैं इन लोगों ने सारे स्पेरोज़ को मार दिया उसके बाद सडनली सारे जो इंसेक्ट्स थे वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई एंड सारा फार्मिंग स्ट्रक्चर को हो गया एंड देन दैट लेड टू लाइक वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एट दैट टाइम इन चाइना बट देन वी हैव सीन दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन कि जब भी इंसान नेचर से छिड़काव करता है ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमें इतना अंदाज़ा नहीं है उसका वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट इट इसीलिए सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए जाते हैं जैसे अगर आपको याद हो ये होग्जाम्पल जॉनी डेप बिफोर द डिवॉर्स ही वॉज शूटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और सम सम मूवी इन ऑस्ट्रेलिया एंड वो अपने प्राइवेट जेट पर अपने दो डॉग्स को लेके आ गया था और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बहुत बड़ा केस किया था बिकॉज बिकॉज बींग एन आईलैंड वहाँ की जो नेचुरल प्रोसेस है बहुत डेलिकेट है और एक भी खराब यू uh, नो you know, अनाज या मीट या कोई पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऐसी बीमारी लेके आ सकते हैं जो उनके पूरी इन्वायरमेंट को खराब कर दे इसीलिए वो इतने कॉशियस रहते हैं यू कैन रियली टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू आर मूविंग बाई द वे अगर आप कोई दूसरी कंट्री में जाते हो तो आप अपने साथ यू नो खाना दाल पापड़ सब लेके जा सकते हो बट ऑस्ट्रेलिया डजेंट अलाउ यू टू ब्रिंग एनी फूड और एनिमल्स फॉर दैट मैटर सो दिस इज़ ऑल डन बिकॉज जेनेटिकली क्योंकि इन्वायरमेंट इतना डेलीकेट है तो हैंस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स uh, है उनको अप्लाई करना भी एक रिस्की थिंग है तो इसके लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमिटीज़ है जो यू नो टेस्ट करती है और यू नो अप्रूवल जिससे लेना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट सो इंडिया में एक लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल और कमर्शियल रिलीज है जीएम क्रॉप्स का जो जो बेसिकली अगर उसके लिए परमिशन चाहिए तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है इसका फंक ये क्या है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक एन चाहिए रहता है स्टेट गवर्नमेंट से फील्ड ट्रायल के लिए द रीज़न बींग फॉर बायो सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न क्योंकि हो सकता है कि जैसे ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है हो सकता है इसका जो प्लांट है उसके अंदर कुछ अलग तरीके के यू you नो know, uh, uh, समथिंग सम डिफरेंट थिंग हैपन दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव कोई उसमें ऐसा चेंज आ गया जो बाकी सारी क्रॉप्स को मार दे ठीक है तो इसलिए फील्ड ट्रायल करने के लिए आपको पहले से ना कंपनी गवर्नमेंट से आपको एन ओ सी लेना पड़ता है आपको परमिशन लेनी पड़ती है तब आप उस सीड्स की फील्ड ट्रायल कर सकते हो फील्ड ट्रायल बेसिकली आपको पता है आपने सीड का बना दिया जिस जेनिफ जेनेटिकली मॉडिफाइड आपको पता है इससे क्या होने वाला है बट आपको उसको एक लार्ज स्केल पर पूरा प्रोसेस करके देखना पड़ता है टू सी वेदर इट इज़ एक्चुअली यू नो वर्किंग ऑन नॉट तो उसको बोलते हैं फील्ड ट्रायल एंड वो किया जाता है तो इसके बाद तब से दो हज़ार दो से इसको यू you नो know, इस तरीके की प्रोसेस को अलाउ किया गया है बी टी कॉर्डन वॉज फर्स्ट अलाउड इन ईयर ट्वेंटी टू हेल्थ कंसर्न को ध्यान रखते हुए दो हज़ार सोलह में जी एम मस्टर्ड और uh, ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड डी एम एच को भी क्लियर किया था जी सी में लेकिन अभी तक उसका uh, और ट्रायल्स जी ई ने उसके बाद और भी ट्रायल्स मांगे क्योंकि वो अभी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है इससे फॉर रेफरेंस जी ए ने रिकमेंड किया है कि कमर्शियल रिलीज़ जो है ब्रिंजल का वो भी टू uh, थाउजेंड में उन्होंने बोल दिया था रिलीज़ कर सकते हो लेकिन वो गवर्नमेंट ने 2010 में ब्लॉक कर दिया बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट और दीज बॉडीज़ एक साथ काम करती है टू मेक श्योर कि कोई गलती से भी गलती ना हो जाए कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना उतर जाए इन्वायरमेंट में जो बाकी सारी फसल को ख़राब कर दे एज पर द प्रोविजन ऑफ इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स ग्रोइंग अ जी एम क्रॉप दैट इज़ नॉट अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, लीडिंग अप टू फाइव ईयर ऑफ एम्प्रोजनमेंट एंड फाइन अप टू वन लैक और बोथ तो अगर आप कोई जी एम सीड यूज़ कर रहे हो और आपने अभी तक परमिशन नहीं ली है सरकार से तो फिर आपको पाँच साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना भरना जा सकता है यह दोनों यूनाइटेड स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा जी एम सीड यूज़ करता है फॉलोड बाय ब्राज़ील अर्जेंटीना चाइना इंडिया इज ऑन द फोर्थ नंबर इवन दो इंडिया ने सिर्फ दो या तीन ही तरीके की सीड्स एक तो कॉटन है उसके अलावा ब्रिंजल और मस्टर्ड है ज़्यादा नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया में अभी इतने इतने स्ट्रॉगली जी एम सीड्स का यूज़ नहीं हो रहा है ओके बायो बायो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल जो है उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाहते हैं ताकि वो यू नो जी एम ऑर्गेनिज़म्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के साथ के प्रोडक्ट्स बेच सके मतलब क्योंकि हमने देखा है क्रॉप में तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है बट हम और भी बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं राइट वी ड्रिंक मिल्क वी यूज़ सिल्क तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना टू प्रोड्यूस थिंग्स दैट ह्यूमन बीन्स यूज उसके लिए एक रेगुलेटरी uh, बॉडी बनाने का बोला है जो कि अभी भी पार्लियामेंट में दो से पेंडिंग है इट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिवस क्योंकि बहुत सारे जी एम क्रॉप्स के पॉजिटिव भी हैं पर बहुत सारे नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव क्या है हाई हील है फूड सिक्योरिटी मिलती है फार्म farm, फार्मिंग करने की कॉस्ट कम होती है वेदर फ्लक्चुएशन बहुत आसानी से यू you नो know, अगर बहुत गर्मी है कहीं पर और वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गर्मी में नहीं उगाई जा सकती है जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो हम uh, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बना सकते हैं टू एक्सट्रीम वेदर्स ज़्यादा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना पड़ता है मैचूरेशन जल्दी हो जाता है और फॉर एग्जाम्पल बी टी कॉटन का ट्रांजेक्शन जो था उससे क्या होता है कि देश जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है तो वो वो कर सकता है बी टी कॉटन वो कर सकता है जेनेटिकली जेने, मॉडिफाइड सीड्स यूज़ करके जैसा कि इंडिया ने ऑलरेडी कॉटन के साथ किया है इंडिया बीटी कॉटन के बाद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया कॉटन का लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि यू you नो know, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है मतलब कि जी क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन क्या होता है बीज होती हैं वो यू नो शहद नेक्टर खरीदने जाती हैं तो वो एक पेड़ से लेके सीड्स दूसरे फ्लावर में दे देती दे हैं तो उससे बेसिकली पॉलिनेशन होता है सीड्स बनते हैं अब क्या होता है प्रॉब्लम यह है कि मान लो आपने इस एरिया में अब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते यू कैन रियली कंट्रोल और कंटेन बीज लाइक दैट सो आपने मान लो यहाँ पे इस एरिया में यू नो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाई है और किसी ने किसी दूसरे फार्मर ने आपके पास में एक नॉर्मल उगाई है अब क्या होगा बीज जो है वो यहाँ से अगर यहाँ ले गई है यहाँ से यहाँ ले आई अपना पॉलीनेशन तो एक ऐसा पॉलीनेशन होगा जो इन जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ठीक है हमें नहीं पता कि यू नो हाउ वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तो अनलेस यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि क्रॉस क्रॉस से कोई नेगेटिव uh, नहीं होगा अगर दो ये दोनों अलग अलग जी एम क्रॉप और नॉर्मल क्रॉप मिक्स हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यू कैन नॉट यू नो सिक्योरली यूज जी एम्स जी एम रॉप तो एलर्जेंस खाने में जा सकते हैं अगर इससे मान लो कि इनके मिक्स करने से कुछ ऐसा एलर्जेंट पैदा हो गया और वो खाने की चीज़ में चला गया इसीलिए आप देखो कॉटन को पहले किया गया ब्रिंजलों वगैरह रोक के रखा हुआ है अभी ओके okay, उसके बाद हो सकता है सुपर रेजिलेंट बग अब यू नो एज आई सेड यू डोंट नो यू वैन यूर प्लेइंग विथ नेचर यू डोंट नो एक्जैक्टली क्या होने वाला है कुछ भी हो सकता है तो जैसे हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा है कि लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करते ना तो वो हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं फिर बाद में उनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है तो वैसा बग्स के साथ भी हो सकता है ऐसे भी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बग्स बन सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग जी एम क्रॉप्स जय जिसके कारण पता है पूरे लैंड का क्रॉपिंग पैटर्न ख़राब हो सकता है वो पूरे देश के क्रॉप्स को ख़राब कर सकता है एक बार में ठीक है उसके बाद डोमेस्टिक और वाइल्ड वेराइटीज़ जो है उसको ऊपर थ्रेट होता है क्योंकि हमने कहा क्रॉस क्रॉस कंटेमिनेशन हम नहीं रोक सकते ठीक है तो ऐसा ना हो कि जी जो है वो इतना ले लें कि हमारे जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो बिल्कुल हट जाए मतलब क्योंकि आपको समझना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होते हैं ना वो एक तरीके से समझो बॉटल वाटर और नदी का पानी समझ लो अगर बॉटल वाटर पे हम डिपेंड हो गए तो देन आप नदी का पानी नहीं पी पाओगे बिकॉज यू विल गेट यूज टू इट ओके एंड देन आपको हमेशा ये बॉटल का पानी खरीदना पड़ेगा बिकॉज बॉटल का पानी इज नॉट फ्री नदी का पानी इज़ फ्री तो इट्स समथिंग लाइक दैट सीड्स आप खुद के ज़्यादातर फार्मर अपने ही खेत के उगाए हुए चीज़ों में से सीड्स लेके दूसरी बार उगा सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जीएम सीड्स खरीदने पड़े लेकिन अगर उन मिक्स हो गया इस तरीके से और आपके जो इंडिजिनस इन, सीड्स हैं वो खत्म हो गए तो फिर देन पूरा जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट रहेगी कि जब तक उन्हें जी सीड्स नहीं मिलेंगे वो खेती ही नहीं कर पाएगी तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके अलावा ट्रांसजेस ट्रांसजीन्स बेसिकली कि अगर किसी तरीके से मान लो Uh, कोई कोई प्रोडक्शन हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हुआ उसका मान लो कोई uh, उसमें कोई दवाई डाली जाती है जस्ट फॉर इट टू फंक्शन प्रॉपरली और उसका असर हमारे इको सिस्टम पर ख़राब हो गया तो क्योंकि तो हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जब स्पेशली आप जब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई इंसान है उसका अगर मान लो दे लूज अ लिम्प ठीक है अगर उसकी जगह वो नकली पैर लगाते हैं दे कैन फंक्शन राइट बट आर सर्टन थिंग्स दैट दे डू राइट तो दे कैन फंक्शन एज अ नॉर्मल यूवन बी बट देन दे डू नीड सर्टन टाइप ऑफ सपोर्ट क्योंकि वो एकदम एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते देर आर एक्टिविटीज जो वो नहीं कर पाते हैं आराम से तो वैसा ही कुछ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं वो भी उनकी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हम अपने इकोसिस्टम को ना खराब कर दें ये देखना बहुत ज़रूरी है तो ये सब जो है इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं और इसीलिए गवर्नमेंट जो है बहुत स्लो तरीके से जी एम सीड्स को एक्सेप्ट करती है इतना ज़्यादा आसानी से अग्री नहीं करती है अब बात करते हैं पेप्सिको और फार्मर के साथ जो लीगल रो थी आ, उसके बाद बेसिकली आप कह सकते हो दिस वाज द टाइम जब हमने हमारे लॉज़ बहुत ज़्यादा और स्ट्रिक्ट होने लग गए बिकॉज ऑफ़ दिस इंसिडेंट बेसिकली क्या हुआ नाइनटीन में इंडियन पेटेंट एक्ट हुआ जिसने बेसिकली एक्ट था कि उसमें बोला कि कोई भी सीड और किसी भी प्लांट का वेरियंट पेटेंटेड नहीं है इंडिया में इंडिया में कोई भी सीड को पेटेंट नहीं किया जा सकता है 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिटी फार्मर्स एक्ट आया जिसने बोला कि भाई जो अगर कोई पर्टिकुलर फार्मर है वो किसी पर्टिकुलर तरीके का प्लांट बनाया है तो वो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसको उस उस सीड्स के राइट right दे स्पेशली जो ब्रीडर्स होते हैं रिसर्चर्स जो फार्मर्स होते हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है क्योंकि अगर आप उनको कुछ राइट्स नहीं दोगे तो उनके पास इंसेंटिव भी नहीं रहेंगे ना राइट्स तब में अगर राइट्स रहेंगे तो उस राइट्स का यूज़ करके वो चीज़ों को एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट के लिए वो यू नो एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर उन्हें पता है कि उन्हें कोई प्रॉफिट होने ही नहीं वाला है क्योंकि वो कभी भी अपनी किसी तरीके का भी पेटेंट नहीं कर सकते तो फिर उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा सो हेंड स्केम द चेंज जब उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है अगर आप ब्रीडर हो कोई ऐसे फार्मर हो जिसने कुछ नई चीज़ करके बताई है तो हम आपको यू नो पेटेंट करने देंगे फिर क्या हुआ पेप्सी ने एफ सी ए फाइव करके पटेटो की हाइब्रिड वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा इंडियन फार्मर्स को जब वो बॉन्डिंग फार्म, फार्मिंग कर रहे थे मतलब जब फार्मर्स और कंपनीज़ नहीं एक साथ बॉन्ड कर लेती है कि आप हमारे लिए ये वाले पर्टिकुलर टाइप की चीज़ उगाओ एंड विल बाय इट फ्रॉम यू इसके बदले कंपनीज ज़्यादातर कई बार कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है जैसे यू you नो know, ट्रेनिंग हो गए सीड्स हो गए सब प्रोवाइड करती है तो सेम यही हुआ बेसिकली उन्होंने एक जो है लो मॉइस्चर पटेटो टाइप का टाइप प्रोवाइड किया जिससे जो जो पोटेटो स्पेसिफिकली पेप्सी की जो लेस कंपनी है उसके चिप्स बनाने में काम आता था अब प्रॉब्लम क्या हुई कॉन्ट्रैक्ट था कुछ सालों के लिए क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग थी राइट तो मान लो पाँच दस साल जितने भी साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने रखा ये लोग उनको सीड देते थे वो लोग चीज़ें उगा के लेस पेप्सिको को वापस दे देते थे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया एक्सपायर होने के बाद क्या किया कई सारे फार्मर्स ने इन सीड्स को दूसरे लोगों को बेचना चालू कर दिया राइट तो पैप्सी ने फिर ना कम्प्लेन करी कि यार ये तो हमने प्रोवाइड करे थे सीड आपने किसी और को कैसे दे दिए पहले तो कंप्लेन करा लेकिन बाद में कम्प्लेन विड्रॉ कर ली इसके बाद 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेप्स पोटेटो वेराइटी साइटिंग दैट पेप्सी हैज़ नॉट गिवन रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स क्योंकि उन्होंने बेसिकली कहा कि पेप्सी का कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से हमारे यहाँ पर यू नो स्पेसिफिक प्लांट के सीड्स दे सके या फिर उनको मना कर सके क्योंकि जब वो यहाँ लाए थे इस चीज़ को तब उन्होंने गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं दिए थे ठीक है तो क्योंकि हमारे पास था भी नहीं उस तरीका का एक्ट और उन्होंने यू नो दे ऑल्सो यूज द फैक्ट दैट वी डिट हैव एनी सच थिंग एंड दे डिड नॉट गिव एनी पेपर्स तो अब वो जब रूल्स नहीं थे तब आपने अपनी मर्जी से जो करना था कर लिया यू डिड नॉट फॉलो एनी गाइडलाइंस सो नाउ यू कैन नॉट कम बैक एंड क्लेम सो यहाँ के बाद बेसिकली एक इससे समझ में आया कि वी नीड टू हैव मच स्ट्रिक्ट रूल्स uh, रिगार्डिंग किस तरीके के सीड्स कहाँ पे कौन इस्तेमाल कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट प्लान्टराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 थाउजेंड वन सो ये बेसिकली uh, एक एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट uh, का जिसमें ब्रीडर्स को ब्रीडर्स कौन होते हैं जो इन जी सीड्स को बेसिकली ब्रीड करके सीड्स का सीड्स प्रोड्यूस करते हैं सो दैट टू बी यूज बाय द फार्मर उनको कुछ राइट्स देते हैं तो ब्रीडर्स विल बी विल हैव एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल मार्केट डिस्ट्रीब्यूट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वेराइटीज कई बार जो ये मॉडिफिकेशन है ये ब्रीडिंग के थ्रू ही आता है तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट रीडर्स कैन ऑल्सो अपॉइंट एजेंट्स एंड लाइसेंस एंड मे एक्सरसाइज सिविल रेमेडी इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट मतलब कि अगर वो खुद तो बेच सकते हैं जिस जो भी उनको करना है प्रो, प्रोड्यूस करना है सेल करना है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसी और को एजेंसी भी दे सकते हैं अपने बिहाफ पर सेल करने की और अगर कोई इसको वायोलेट करता है तो वो लॉ भी है उनके साथ में टू करेक्ट दैट उसके अलावा रिसर्च जो लोग रिसर्च करते हैं उनके राइट्स क्या है दे कैन यूज एनी रजिस्टर्ड वेराइटी कोई सी भी रजिस्टर्ड वेरायटी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग इन एक्सपेरिमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च बट अगर वो किसी पर्टिकुलर वेराइटी को बार बार यूज कर रहे हैं ठीक है उसका मतलब बेसिकली रिपीटेड यूज हो रहा है तो फिर आपको रजिस्टर्ड ब्रीडर से परमिशन लेनी पड़ेगी इसका मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल uh, मान लो यूर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको इंक चाहिए ठीक है तो आप शॉप पे गए एंड यू बॉट फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ इंक्स पेन uh, एंड उसकी आपने इंक एक्सट्रैक्ट करी और के साथ आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया ठीक है वट एवर एक्सपेरिमेंट इट में भी देन यू डोंट नीड टू गिव रॉयल्टी मान लो आपने कुछ प्रोड्यूस किया उससे यू डोंट नीड टू गिव रॉयल्टी टू लाइक द पेन कंपनी लाइक दैट बट अगर आप उनकी बनाई हुई किसी चीज का को चेंज करके सेल कर रहे हो ठीक है एक बार एक्सपेरिमेंट में आप यूज कर सकते हो मे बी यूर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट की भैया मैं मुझे पता है कि जो ये पेन कंपनी है ये अपनी इंक में ये, ये यूज़ करती है राइट सो आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी की ये कैसे इंटरेक्ट करेगा देन इट्स फाइन यू कैन यूज एनी एनी सच यू नो सी दैट आर एग्जिस्टिंग फॉर रिसर्च पर्पजेज लेकिन इफ योर रिसर्च रिक्वायर्स रिपीटेड यूज बार बार आपको उन्हीं वही पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करके आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो देन यू विल हैव टू टेक परमिशन ओके एट द एंड ऑफ द डे इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रीडर सो दैट्स एसेंचुरी द एग्जाम्पल अब फार्मर राइट क्या है अगर किसी फार्मर ने कोई स्पेसिफिक सीड वरायटी डेवलप करी है इवॉल्व करी है तो उसको सेम राइट्स मिलेंगे जो ब्रीडर्स को मिलते हैं वो उसको है ना एज एक्सटेंड वेराइटी करके रजिस्टर भी कर सकता है वो उसको सेव कर सकता है यूज कर सकता है सो कर सकता है री सो कर सकता है एक्सचेंज कर सकता है और अपने फार्म प्रोड्यूसर को भी सेल कर सकता है ऑल दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट ऑफ टू सेम मैनर में ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर मतलब आइडिया ये है कि वो उसको फ्यूचर में मतलब जैसे ही इज ऑल्सो एंटाइटल फॉर कमिंग इन टू फोर्स ऑफ एक्ट प्रोवाइडेड फार्मर शेल नॉट एंटाइटल टू सेल ब्रांडेड सीड्स फॉर अ वेराइटी प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर वेराइटी को एज अ खुद की वेराइटी सेल नहीं कर सकता ये है दिस इज बेसिकली डन इन दस केस कि अगर आपको Uh, अगर मतलब कोई किसी तरीके के राइट्स दे रहा है तो इट हैज़ टू बी इंजीनियस इन अ वे और दिस वॉज डन सो हैज टू यू नो पुश फार्मर्स टू डू एक्सपेरिमेंट्स है ना फार्मर्स अपनी फील्ड में एक्सपेरिमेंट करें और कुछ नया निकाले क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइंटिफिक रिसर्च लैब में बैठ के कितना एक्सपेरिमेंट होगा एट द एंड ऑफ द डे इट्स बेस्ट बेस्ट डन वैन इट्स डन प्रैक्टिकली राइट तो उनको मोटिवेट करने के लिए लॉ बनाया गया ताकि उनको यू you नो know, अपने काम के के लिए एक यू नो रिक्शन मिले बट ऐसा ना हो कि फिर वो किसी और का काम लेकर उसको एज खुद का बेचने लगे सो देर आर सम थिंग्स एट सम रूल्स इन प्लेस इन अंडर द एक्ट ठीक है और इसके बाद दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिकोगोग्नीशन एंड रिवॉर्ड अगेन सेम टू मोटिवेट देम अगर वो कुछ करते हैं ऐसा जेनेटिक रिसर्च करते हैं जिससे कुछ नया चीज़ बन के आता है या वो कंजर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर सीट को तो उन्हें रिकोगनीशन और रिवॉर्ड मिल दिया जाता है देर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू द फॉर्मर और फॉर नॉन परफॉर्मिंग वैराइटी मतलब कि अगर मान लो किसी ने आपको ये सीट बोला कि बेच के कि ये आपको टेन टाइम्स वो देगा फसल उसने नहीं परफॉर्म किया उस तरीका तो आपको कंपनसेशन भी दिया जा सकता है ठीक है ये भी इस एक्ट के थर्टी नाइन सेक्शन थर्टी नाइन टू में दिया गया है फार्मर शल नॉट बी लाइबल टू पे एनी फीस इन प्रोसीडिंग अगर ऐसा होता है तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स होगी उसकी कोई फ़ीस फार्मर को देने की ज़रूरत नहीं है मतलब एक तरीके से फार्मर्स को पागल बना के उनको कोई दूसरा सीट बोल के कुछ और ना बेच दे उनका क्या बोलते हैं यू नो फ़ायदा ना उठाया जाए इसके लिए ही ये प्लेस में है और क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल लेवल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो लड़ भी नहीं सकते इसलिए ये भी लगाया गया कि अगर केस करना है तो फार्मर को कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा बेनिफिट शेयरिंग अब जो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स है इस एक्ट का वो ये बोलता है कि अगर दो लोग मिलकर अगर किसी पे काम करना चाहते हैं लाइक इफ़ यू आर यूजिंग किसी और का काम टू फर्दर इट तो यू कैन बेसिकली गेट म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम इट बाय Uh, किस तरीके से आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे क्लेम कर सकते हो कि भाई कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर किसी भी फर्म या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश है इंडिया में उसके थ्रू आप शेयरिंग कर सकते हो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एक्सटेंड और नेचर है जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया है आपने और क्लेमेंट का मतलब कि जैसे मैंने कोई सीड बनाया और मैंने उसको क्लेम कर लिया है अब कोई और उसको यूज़ करके आगे बढ़ाना चाहता है तो वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है ऑन दैट बेसिस ये डिसाइड किया जा सकता है कि कितना यू uh, नो you know, uh, कितने कमर्शियल यूटिलिटी है उसकी एंड उस बात को ध्यान रखते हो मतलब कि जो चेंज मैंने जो सामने वाले ने चेंज किया है मेरे ऑलरेडी क्लेम्ड uh, सामान के ऊपर जीन जी एम uh, सीट के ऊपर उसकी कमर्शियल यूटिलिटी के हिसाब से अगर अच्छे से वो वो और अच्छे से बिकने वाला हो तो फिर वो क्या करेगा एक अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट uh, जीन फंड uh, में डाल देगा और फिर उस फंड में से क्या होता है गवर्नमेंट जो है उन क्लेमेंट्स को फिर पैसा दे दिए क्या आपने क्लेम करके रखा है किसी और ने आपके uh, सीड को इस्तेमाल करा और उसकी अच्छी यूटिलिटी है बाहर और वो उसको सेल करना चाहता है तो देन ही हैव टू गिव मनी टू दिस फंड एंड देन उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे ओके okay, इसके अलावा <coughs> ये ना सर्टिफिकेट uh, भी पब्लिश करता है विच बेसिकली से विच कैन बी यूज टू क्लेम मतलब अगर आपकी कोई स्पेसिफिक uh, जित जो भी क्लेमेंट है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई आपने ये किया है इसके ये स्पेसिफिकेशन है और दिस इज़ इन योर नेम और वो सर्टिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो टू क्लेम वेन एवर एल्स इज़ यूजिंग योर सेम योर मटेरियल बेसिकली योर बनाई हुई सीड्स एसेंशली तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आते हैं आपको पता है आजकल बहुत क्रेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का इट्स बेसिकली कुछ नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है आपको याद होगा इंडिया का जब रेबलाइजेशन हुआ था नाइन नाइनटी वन में uh, उसके बाद जो द मेन इशू इंडिया हैड वॉज दैट वी हैड अ लॉड ऑफ पीपल हु आर स्टिल हंगरी क्योंकि इतना इतना अनाज नहीं था पैसे की बहुत कमी थी उतना ग्रोथ नहीं होता था बिकॉज काफ़ी टाइम तक जो है ग्रोथ को टर्शरी सेक्टर पे फोकस किया गया था नॉट इवन सेकेंडरी नॉट इवन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आज भी हमारे गांव में उसी तरीके से होता था जो 1947 में हुआ करता था सो so, जब हमारा मार्केट खुला इंडिया का तो सडनली देर वॉज अ इनफ्लो ऑफ यू नो दीज सुपर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और इतनी ज़्यादा डिमांड थी स्पेशली ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद चीज़ों को और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए दैट वी गॉट कॉट इन टू दिस साइकिल फार्मर्स जिन में जिसमें क्या हो रहा था कि जितना ज़्यादा उन्हें प्रोडक्शन करना था मतलब अगर इफ दे वॉन्टेड टू कंपीट उन एग्रीकल्चर बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव हो गया मतलब यू हैव टू नाउ पहले क्या होता था अपने ही घर की चीज़ों का नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके इंसान सिर्फ पुराने पिछले साल के बीज रखता था उसी से नया उगा लेता था उसमें से आधे बेच देता था आधे कंज्यूम कर लेता था थोड़े से अगले साल के रख देता था राइट बट देन आफ्टर नाइनटी नाइन्टी वन लिबलाइजेशन वे सीन की अब एक फार्मर को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वही खेती करने के लिए बिकॉज इट हैज़ टू बाई इलेक्ट्रिसिटी इट हैज टू बाई वाटर इट हैज टू बाई फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड फलाना ऑल दीज थिंग्स राइट एंड दिस मीन्स की जो छोटे फार्मर्स है जिनके पास छोटे लैंड है वो फार्मिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है राइट सो दिस बेसिकली लेड टू दिस आइडिया की और उसके बाद क्या था एक तो इन इन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत देखे जा रहे थे हेल्थ पर स्पेसिफिकली राइट सो so, उससे बचने के लिए दिस होल ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम जिस तरीके से सालों पहले फार्मिंग करते थे ना जब जिसमें हम कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे नेचुरल तरीके से हम करता था उसको वापस लाने की एक ये पहल है बेसिकली आप मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ सेम प्लेस पे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो नेचुरल रिसोर्सेज के फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है जो सॉइल की है उसको नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाओ जैसे गुड एरिएशन करो इजी रूट पेनिट्रेशन बेसिकली जो भी आ, करना हो सो सच दैट सस्टेनेबली आप बिना कुछ एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह डाले कुछ अल्टरनेट करे हुए आसानी से सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सको ठीक है ह्यूमन और जो एनिमल रिमेन है एक्सक्रीटा उसका इस्तेमाल करो प्रोडक्ट को ताकि आपको फर्टिलाइजर्स अन नेचुरल फर्टिलाइजर्स या फिर मैन मेड फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करने पड़े उसके बाद उससे क्या होगा आपको पता ही है कि जो ये फ़र्टिलाइजर्स हैं इसमें इसका जो पानी है इस पर डाला जाता है ठीक है बारिश होती है पौधों पर पानी गिरता है ये पानी फिर फाइनली हमारी रिवर्स में जाता है तो जो पेस्टिसाइड है वो फिर देन इट फ्लोज इन द वाटर तो वाटर पॉल्यूशन होता है उससे तो वो रुक जाएगा जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है जैसे प्रिडेशन पॉलिनेशन हैबिटेट मतलब कि पहले ना हम बीज पे डिपेंड होते थे पॉलिनेशन के लिए देर वॉज अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट जिसमें यू नो जानवर नेचुरल हैबिटेट में you know, अपना खुद ही काम करते थे और थिंग्स यूज टू यू नो हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल सर्कल उसको वापस लेके आना कि जानवरों का हैबिटाट भी बन जाए वापस और नेचुरल तरीके से चीज़ें उगे ताकि उसका हमें भी फायदा हो हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो ओके okay, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिड्यूसेस द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो जो हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है विच इज़ पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दिस ये चीज़ों का इस्तेमाल ना कम हो और रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा हो uh, ताकि यू नो बिकॉज यू हैव सीन दिस साइकिल राइट घास घास उगाई गाय ने घास गई उसका जो काउडंग और यूरिन था उसको वापस सोइल में डाल दिया सो देन यू नो इट रिप्लेनिशेस वो तरीका यूज़ करना चाहिए बजाय कि केमिकल यूज़ करने के अगर आप देखें इंडिया में तो मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कवर एरिया एरिया जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान सिक्किम हैज़ बिकम फर्स्ट ट्रूली ऑर्गेनिक स्टेट इट वॉज डिक्लेयर्ड इन जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन अब क्या होता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो वेदर इट इज़ फ्रॉम अ सोर्स और नॉट उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है आपने देखा होगा आई एस आई मार्क्स होते हैं यू नो गोल्ड स्टैंडर्ड्स में पीछे मार्क्स होते हैं ईवर uh, आर एम करके एक uh, पैकेजिंग तो खैर चेंज होती रहती है बट जनरली कुछ ना कुछ मार्किंग होती है कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है एफ एस एस आई से या कहीं से टू मेक श्योर की प्रोडक्ट जो है आपका ऑथेंटिक हो तो अब फार्मिंग प्रोडक्ट स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए हाउ डज़ इट गेट्स सर्टिफाइड कैसे सर्टिफाई किया जाता है कि ये जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के आपने कई लोगों से सुना होगा कि जो स्पेशली शहरों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बिकते हैं अलग से और यू नो अनऑर्गेनिक अलग से बिकते हैं एंड यूजली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव तो कई सारे लोगों को, को ऐसा लगता है कि ये सेम प्रोडक्ट है बस ऑर्गेनिक का थप्पा लगा के महंगी चीज़ दे रहे हैं दर इज़ नो डिफरेंस बिकॉज यू कैन रियली सी आप देख नहीं सकते ना कि एग्जैक्टली exactly कहाँ से हुआ है कोई भी कहीं पे कुछ भी करके ला दे और आपको बोले ऑर्गेनिक है यू नीड टू सी अ सर्टिफिकेशन तो किस तरीके से सर्टिफिकेशन होता है वो हम देखते हैं फॉर सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एफ एफ एस एस ए आई फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि आपको पर्टिकुलर प्रोविजन है जिस जो दो तरीके के सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसमें से किसी एक से आपको अपने आप को सर्टिफाई करना होगा एक है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी देती है और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम विच इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू आता है बेसिकली ये जो है आप सर्टिफिकेट आप किसी से लेते हो ये इस इस वाले में पार्टिसिपेटरी गारंटी जो होती है ना इसमें बेसिकली क्या होता है कि फार्मर्स एक दूसरे को आ, वो करते हैं रेक्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास में जो ये इंसान फार्मिंग कर रहा है इसने जो प्रैक्टिसज यूज़ करी है वो ऑर्गेनिक थी ठीक है सो अनलाइक द टॉप डाउन मैसेड टॉप डाउन मतलब क्या जब सरकार आपको स्पेसिफाई करती है कि आप ये 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 करो और आपने अगर ये इस फल ये टेन चीज़ आपने करी तो इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा उसको मैं सर्टिफिकेशन दूंगा कि ये ऑर्गेनिक uh, है और फिर गवर्नमेंट आके टाइम टू टाइम चेक करती है वेदर एव वॉट यू आर सेग इज ट्रू और नॉट राइट अब इसके बजाय वॉट दी वॉट दिस अप्रोच पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यूज करता है इट इन्वॉल्व्स पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू क्या होता है कि आप ही के साथ वाले लोग आपको रिव्यू करेंगे तो फार्मर्स जो है ना वो अपने आसपास वालों के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेशन सेल्फ सर्टिफिकेशन लेते हैं थ्रू परम्परागत कृषि किश, विकास योजना ओके एंड सर्टिफिकेट जो है वो फार्मर्स एक दूसरे की विसिनिटी में लोग कैसे काम कर रहे हैं उस बेसिस पे देते हैं दिस मेक्स इट मच मोर इजियर अब जो नेक्स्ट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बेसिकली जो मैंने आपको अभी पहले बताया था सेम ही चीज़ है कि आफ्टर लिब्राइजेशन हमारा मार्केट खुल गया एंड वी हैव हैड दीज यू नो प्राइवेटाइज सीड इनपुट्स एंड इन द मार्केट प्राइवेट सीड्स और uh, जितने भी केमिकल्स आने लग गए बहुत ज़्यादा मार्केट में और हम बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए उसके कारण जो है फार्मिंग करने की कॉस्ट बहुत बढ़ गई एंड दैट लेड टू अ विशियस साइकिल जिसमें फार्मर अटक जाता है बिकॉज उनके पास उनको उनके पास इतना पैसा नहीं होता है फार्मिंग करने के बाद कि वो इत नेक्स्ट ईयर फिर से नो you know, या तो वो उस पैसे से अपना घर चला ले या तो फिर वो यू नो नेक्स्ट ईयर फार्मिंग करने के लिए उनको फिर लोन लेना पड़ता है इसके कारण क्या होता है दे बिकम हेल्पलेस अब जो जीरो बजट फार्मिंग है उसमें ये आइडिया है कि हर चीज नेचुरल होनी चाहिए बिना किसी कॉस्ट के जीरो कॉस्ट पे एक इंसान फार्मिंग करे उसको बस लैंड दे दो सीड दे दो और ही देट पर्सन शुड बी एबल टू ग्रो थिंग्स उसको और पैसे की जरूरत नहीं लगनी चाहिए ठीक है तो उसके चार पिलर्स हैं पहला है बीजा मित्रा विच इज बेसिकली जो सीड्स का ट्रीटमेंट करना होता है सो एज टू यू नो प्रोटेक्ट देम एंड टू मेक देम वायबल तो उसको किसी केमिकल के करने की बजाय या बाहर से इम्पोर्ट करने की बजाय उसको कावडंक और यूरिन काउ यूरिन का इस्तेमाल करके उसको यू you नो know, ट्रीटमेंट दिया जाए सेकेंड इज़ जिबा मित्रा विच इज़ बेसिकली इनाक्यूलेशन मतलब इनाक्युलेशन इन सेंस की जो वैक्सीनेशन होता है ना उसको इनाक्युलेशन बोलते हैं तो जब भी आप प्रिवेंटिव मेजर लेते हो Uh, किसी भी बीमारी से बचने के लिए तो उसे इनोकुलेशन कहा जाता है तो वो इनोकुलेशन भी जो है कावडंग और यूरिन से हो बजाय की पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के या या दूसरी केमिकल्स uh, यूज़ करने के थर्ड ये थर्ड है मल्चिंग मल्चिंग इज़ बेसिकली कि ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे सॉइल अपने आप यू नो मल्चिंग प्रोसेस होती है जब आप एक्सक्रीटा या जो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हो उसको वापस आप यू नो सॉइल में डाल के छोड़ देते हो सो दैट इट यू नो गेट डाइजस्टेड इन अ वे एंड डिग्रेड हो जाता है और फिर वापस उस सॉइल की क्वालिटी बढ़ाता है एंड फोर्थ इज वापस आ विच इज़ बेसिकली किसी तरीके से सॉइल के मॉइस्चर को और उसका जो हमस बोलते हैं विच इज़ बेसिकली द मिनरल कंटेंट उसको मेंटेन किया जा सके नेचुरली तो आइडिया ये है कि हमें सीड्स के ऊपर पेस्टिसाइड केमिकल्स और सॉइल की पेस्टिसाइड सॉरी पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स केमिकल्स फॉर एज फर्टिलाइजर्स और सॉइल में जो आ, बहुत ज़्यादा पानी और इसकी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की वो ना पड़े इसके लिए इन चारों प्रोसेस का इस्तेमाल करना जो अपने आप में सेल्फ कंटेनिंग है इसमें लेबर लगेगी ज़्यादा बट केमिकल्स और पैसे कम लगेंगे दट्स द आइडिया ठीक है सो वॉट इज़ दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तो ये करने के लिए अब आप आपको मल्च चाहिए ना अब आप, आप बोल रहे हो कि भाई काव यूरिन से आप सीड्स का ट्रीटमेंट करो तो उसके लिए क्या हो चाहिए तो द आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज कि एक इको बने जिसमें जो भी चीज़ें आपको चाहिए फॉर फार्मिंग वो किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल हो सो आप फार्मिंग भी करो साथ में आप एनिमल हस्बेंड्री भी करो साल में आप पोल्ट्री भी करो बी कीपिंग भी करो एवरीथिंग इज डन टुगेदर एंड ईच ऑफ द थिंग जो बेसिकली एक दूसरे से बेनिफिट होता है बी कीपिंग करेंगे तो आपको शहद मिलेगा जिसको बेच के आप यू नो ऑर्गेनिक शहद बेच सकते हो आई विल गेट मनी फ्रॉम देयर दीज बीज विल हेल्प यू इन कल्टिवेशन नेचुरली तो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा फिर आप uh, गाय भैंस रखो तो उससे आपको मिल्क मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो यूज द यू नो मेल्स ऑफ दैट बोवाइन मेल्स टू बेसिकली हेल्प यू विद द इरीगेशन प्लस you can also use their cow you know dung and urine to use as pesticides and whatever you want to use it plus aap poultry bhi rakho so you'll have some way of protein and extra income also right uh, chicken and ducks and their eggs right so ek tarike se ek system integrated farming system aisa hota hai ki बहुत सारे अलग अलग actions को एक साथ एक farmer करे जिस जो एक दूसरे को uh, affect करते हैं ओके सो व्हाट इज इट इट्स ए इनोवेटिव अप्रोच है जिसमें एक सोलो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है जो लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर फॉरेस्ट्री और इंटर रिलेटेड एंटरप्राइज को एक साथ काम करता है ताकि गेन ज्यादा हो और इनपुट फाइनेंशियल इनपुट पैसे कम लगे वेस्ट एक इंटरप्राइज का वेस्ट दूसरे का इनपुट बन जाए ठीक है मतलब कि अगर आप लाइफ uh, स्टॉक रख रहे हो तो उनका जो काउडंक है वो आपका मैन्यूअर बन जाए ठीक है आप uh, अगर जैसे पे बताया कि यहाँ से यू नो यूजिंग इट यूजिंग द आउटकम हयर फिर यहाँ से जो वीट है मतलब जैसे अभी क्या करते हैं हर्बी साइड यूज़ करते हैं तो हर्बी साइड यूज़ करने के बजाय यू नो उसकी जो uh, वो है जो वीट उग रहे हैं ना उसको हट निकाल के आप उसको एज अ चारा दे दो राइट एंड प्लस मान लो आपके पास ये पूरा लैंड है तो आप अभी यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हो ठीक है तब तक दिस एरिया इज़ लेफ्ट जस्ट फॉर देम टू ईट द ग्रास राइट फिर मान लो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि यू नो थिंग्स आर यहाँ की फर्टिलिटी कम हो रही है तो देन चेंज कर दो थोड़ा टाइम रेस्ट दो इस एरिया को यहाँ पे गाय का तबेला बना दो वहाँ पे फार्मिंग करो राइट सो ऐसे करके एक तरीके से और साथ में फॉरेस्ट भी हो तो उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स आप ले सको राइट right? uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ़ायदा होता है पेड़ का कि अगर आप स्लान्ट एरिया में हैं या ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा आती है तो क्या सॉइल इरोजन होता है इफ़ यू हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ़ फॉरेस्ट अराउंड यू इट विल हेल्प यू टू कीप द सॉइल ऑल्सो राइट एंड यूल ऑल्सो गेट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर एज वेल सो एक तरीके का Uh, जो है इंटरक्रॉपिंग करो कभी ये उगाओ कभी ये होगा हो, कभी दो चीज़ें साथ में उगाओ रेल ले करके उगाओ ठ ठीक है फॉर्डर का के लिए अलग फ़ील्ड बना लो ठीक है तो ये जो जैसे जैसे हमने कहा कि आप uh, तबेला और फील्ड को एक्सचेंज कर, कर सकते हो वैसे फॉर्डर फील्ड और उसको भी एक्सचेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन रोटेट करते रहोगे तो हर पूरे लैंड का जो है केमिकल लेवल मतलब केमिकल बोल रही हो मिनरल uh, का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा डिप्लीट नहीं होगा एक ही एक ही करने से जो होता है ठीक है तो ये एक तरीका है इसके बेनिफिट यही होते हैं कि बहुत सारे इंटरप्राइज होती है एक सप्लीमेंट इनकम मिलती है क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सरकार का मेन एम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कि, कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहिए ठीक है ठीके? तो अगर क्रॉपिंग के साथ साथ ये भी चीज़ें करते हैं तो अगर क्रॉप किसी कारण से फेल हो जाती है या फिर क्रॉप क्योंकि आपको लमसम पैसा मिलता है एक बार साल में रेगुलर इनकम आपकी वहाँ पर बन जाएगी आपको दो तीन अलग अलग जगहों से इनकम मिलेगी सो मान लो किसी कारण से क्रॉप ख़राब हो गई तो एटलीस्ट यू स्टिल हैव योर पोल्ट्री यू स्टिल हैव योर काउज एंड ऑल तो वो होगा रिस्क कम हो जाती है आ, फैमिली की जो लेबर है वो हमने देखा था कि जब फैमिली लेबर इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट पर लेबर बहुत कम होता है क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं जितनी मेहनत करें उतना आउटपुट नहीं मिलता है बट अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन में काम करेंगे तो आपका जितनी लेबर आप फैमिली लेबर लगा रहे हो उसका आउटपुट भी आपको उतना मिलेगा बिकॉज यू हैव वेरियस थिंग्स टू यूज एंड सेल ओके सो दिस विल बेसिकली मेक यू अ फार्म एक स्मॉल साइज फार्म को जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको एक अच्छा प्रॉफिटेबल फार्म बना देता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एडवांटेजेस क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एरिया की ठीक है कई सारे डिफरेंट uh, अपॉर्चुनिटीज uh, होते हैं और जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो कम होगा बिकॉज अगर आपके पास इनफ खाना नहीं है तो देन यू कैन ऑलवेज हैव मिल्क फ्रॉम द काउज यू कैन हैव चिकन फ्राम एंड एग्स एज प्रोटीन फ्राम अदर सो यू हैव वेरी सेंस ऑफ यूर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन थिंग यू हैव वेरियस अदर सेंस ऑफ गेटिंग सो मालूट्रिशन कम होगा सॉइल की फर्टिलिटी और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी ठीक है न्यूट्रिशन लॉस कम होगा वीड और इंसेक्ट्स और पेस्ट और डिजीजेस कम होगी उसके बाद लेबर के का जो रिटर्न है लैंड पे वो आपको मिलेगा क्योंकि नाउ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एंड योर इनकम विल इंक्रीज तो जितना आपका पूरा परिवार मिलके एक लैंड पे काम कर रहा है तो उसका आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा एक स्टेबल इनकम होगी जो पूरा साल फार्मर्स ले पाएंगे प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो कम होगी एंड रिसाइकलिंग नहीं करनी पड़ेगी प्लस साथ ही साथ आपको वेस्ट uh, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा एंड यू विल नॉट नीड मोर मनी इन ऑर्डर टू जैसे ऐसा नहीं है कि इनकम अभी नहीं हो रही फार्मर्स की पर क्या होता है ये इनकम ज़्यादातर वापस चली जाती है अगले साल की फार्मिंग के सामान खरीदने में तो ऐसे में क्या होगा बिकॉज अब यू नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हो और एक सिस्टम मेंटेन करके रखा है तो जो पैसा इनकम आ रही है इट विल बी जस्ट फॉर द फार्मर एंड दे डोंट हैव टू यू नो पुट इट बैक इन फार्मिंग सो दैट्स द आइडिया एग्रीकल्चर सेंसेस इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी इट्स बेसिकली पूरे आ, पूरे देश में एग्रीकल्चर में किस कितने लोगों के पास कितना लैंड है वो क्या चीज़ उगा रहे हैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आउटपुट कैसा है हील्ड कैसी है ये सब डाटा इकट्ठा किया जाता है एंड इस डाटा का इस्तेमाल करके बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को ताकि हम अपना आउटपुट बढ़ा सकें और इसके अलावा कई बार फार्मर्स भी बड़े फार्मर्स भी इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं या गवर्नमेंट भी इस डाटा का इस्तेमाल करके पुश करती है फार्मर्स को स्मॉल फार्मर्स को कि वॉट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर देम टू डू कौन सी प्रैक्टिसज या कौन से प्रकार के प्रोडक्ट बनाना उनके लिए बेस्ट रहेगा तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है सो इट इज़ बेसिकली अ स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन है जिसमें रिक्विजेड डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसका डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं मतलब कि डेरिवेटिव्स इन द वेंस की, की जैसे अगर आपको पता है कि uh, एक्स नंबर ऑफ लोग जो है वो काओ uh, या कोई पर्टिकुलर जानवर नहीं रखना पसंद करते हैं या रखना पसंद करते हैं तो उसका मतलब क्या है लाइक वॉट डज वॉट डज इट इम्प्लाय डेरिवेट करना किसी इन्फॉर्मेशन को मतलब की, की and, uh, कि कि आपको पता है को रिलेशन एंड वो नहीं हमेशा नहीं होता क्या बोलते हैं उसको को um, रिलेशन कि हो सकता है यू विल सी अ लॉट ऑफ को रिलेशन कि ज़्यादातर फार्मर्स जो गाय रखते हैं वो बकरी नहीं रखते हैं बट इसका ये मतलब नहीं कि गाय और बकरी साथ में रखी नहीं जा सकती है राइट सो इट कैन हैव डिफरेंट रीजन वाई पीपल आर डूइंग दैट हो सकता है कि बकरियाँ अवेलेबल नहीं हो या उनके साथ ज़्यादा मेहनत लगती हो या यू नो इन्वायरमेंट उसके लिए कंड्यूसिव ना हो वट एवर सो आई एम सेंग कि जब हम डेरीवेशन की बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन डेरीवेशन मतलब क्या कि जो है और वो क्यों है उसका पता लगाना उसे डेरीवेशन इन्फॉर्मेशन का डेरीवेशन बोलते हैं दी हुई इन्फॉर्मेशन से ये समझना कि सिचुएशन क्या है तो वो सब किया जाता है एग्रीकल्चर का अराउंड द कंट्री पीरियोडिक सेंसेस होते हैं हर पाँच साल में ठीक है सबसे ज़्यादा उसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें का नोटिस किया जाता है कि लोगों के पास है होल्डिंग कितनी है मतलब ऑन एन एवरेज एक इन फार्मर के पास कितना लैंड है उस तरी उस लैंड को वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है व्हाट जितना टोटल कल्टिवेबल लैंड है उसमें से कितना इस्तेमाल हो रहा है कितना नहीं इस्तेमाल हो रहा है क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है लोग यूजुअली क्या पसंद करते हैं उगाना किस तरीके से इरिगेशन स्टेटस क्या है टेनेंसी कौन किसका लैंड है कौन उसमें एक्चुअली काम कर रहा है ये सब देखते हैं एक टेबलेटेड फॉर्म में इस सब डाटा को प्रेजेंट किया जाता है जिसमें मार्जिनल स्मॉल वेवी मीडियम लार्ज ग्रुप्स उसके अलावा सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये सब जो है इन चीज़ों का डाटा इकट्ठा किया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है सोशो इकोनॉमिक यू नो पॉलिसी एग्रीकल्चर को लेकर निकाल सके डेवलपमेंट प्लानिंग कर सके और जो भी पॉलिसीज़ uh, या फिर यू uh, नो you know, uh, जिस, जिस भी प्रकार की योजना निकालने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो कर सकती है उसके अलावा टेन एग्रीकल्चर सेंसेस जो हैं अभी तक हुए हैं फ्रॉम 1970 से स्टार्ट हुए थे जो ग्यारहवा है वो 2020-21-22 में होना था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड द रीज़न बींग क्योंकि तीन साल लगते हैं एक पूरे डाटा uh, को कलेक्ट करने के लिए तीन साल का टाइम लगता है हर पाँच साल में डाटा कलेक्ट किया जाता है प्रोसेस तीन फेजेस में होती है और हर फेज को एक साल लगता है तो टेक्निकली दे वर सपोज टू डू इट इन यू नो एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है 17 सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये पाँच सालों में से किसी तीन सालों में उनको काम करना था बट यू रिमेंबर नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन तो हमारे Uh, कुछ नहीं कर पाया बिकॉज यू नो देवर कोविड सो इसीलिए वो नहीं हुआ अब फाइनली जाके उसके लिए वो निकला है रिक, uh, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट uh, uh, हुआ है कि अब विल हैव अनदर वन सो इट विल स्टार्ट नाउ एंड वी शुड हैव वन इन नेक्स्ट टू और थ्री ईयर्स बेसिकली द प्रोसेस हैज स्टार्टेड नेक्स्ट इज एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री मतलब क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस जिसमें लोग जानवरों को पालते हैं for commercial purposes not your pets but for either food or whatever by products uh, agar dekha jaye to india ke total gdp se 5% jo hai wo animal husbandry se aata hai aur total agriculture jo hamara gdp hai uska 26% bhi 2000 10-12 के census तो एकर, तो के हिसाब से it used to come from animal husbandry. Livestock स्टॉक जो है ये रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब जितना वैल्यू सोने का है कई सारे जगहों पर उतना ही वैल्यू लाइफ स्टॉक का है जैसे हम सोने को कैसे करते हैं वी यूज़ इट एज स्टेटस वी ऑल्सो यूज़ इट एज़ आर सेविंग्स वी यूज इट एज सिक्योरिटी हम आ, उसको यू नो लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास इतना सोना है या हम उसको संभाल के रखते हैं और उसके अलावा हम शादी में गिफ्ट में देते हैं ओकेजन में जब यू नो बच्चे पैदा होते हैं या फिर तो उसी तरीके से जिस तरीके से सोना यूज़ किया जाता है जानवरों को इसी तरीके से कई सारे गाँव में इस्तेमाल किया जाता है ऑलमोस्ट फॉर द सेम रीज़न सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और कोर्स हमने देखा है कि अगर हमें मिक्स फार्मिंग करनी है विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू राइट नाउ कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम चालू करें जिससे हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो गया उसको कम करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज़ आर लाइफ स्टॉक वी नीड टू प्रोमोट लाइफ वी नीड टू प्रोमोट एनिमल हजबेंड्री इन आर एग्रीकल्चर अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ इट टोटल नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स इज इन मिलियंज इट इज़ फर्स्ट इन बफेलो पॉपुलेशन सेकेंड इन द पॉपुलेशन ऑफ गोड्स सेकेंड इन पोल्ट्री पोल्ट्री इज चिकन एग्ज ओके सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बिकॉज वी हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बहुत बहुत अच्छी कोस्ट लाइन एंड वी हैव कोस्ट लाइन इन टू वेरी डिफरेंट सीज सो उसके कारण भी है हमारे पास एक्वाकल्चर में भी वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो प्रेसिडेंस हमारे पास बिकॉज वी हैव सो मच टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जिन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा कोस्टल लैंड होता है वहाँ पे नेचुरली भी कम्यूनिटीज डिपेंड करती है इसके ऊपर प्लस एक बोलते हैं ना इंसेस्ट्रल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट भी प्रॉफिट होता है कि वो उसमें और यू you नो know, पैसा लगाए इन द एजुकेशन एंड ऑल इसलिए वो सेक्शन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है थर्ड पॉपुलेशन इन द शीप फिफ्थ इन डक्स एंड चिकन एंड टेंथ इन द कैमल प्रोडक्शन तो ये सारे लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज में इंडिया सबसे आगे है अगर अब देखा जाए कि इन लाइफ स्टॉक का लाइफ स्टॉक रखने का फार्मर्स इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहला तो इनकम एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है स्पेशली विथ द एनिमल्स देम सेल्फ कैन भी दोर्स और उनके कोई बाय प्रोडक्ट जैसे शीप का ऊल गाय का दूध एन सो ऑन काउज़ और बफेलोज मिल्क प्रोड्यूस करती हैं जिससे माल न्यूट्रिशन भी कम होता है प्लस वो बेच के उनको पैसा भी मिल सकता है ठीक है कई बार जो शीप्स और गोट्स होती हैं वो एज अ यूज कैन बी यूज़ एज मतलब जैसे uh, मान लो सडनली बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई कोई आप कुछ बीत गया कोई बीमार हो गया या किसी किसी एकदम पैसे की ज़रूरत है तो शीप्स एंड गोट्स एंड बोवाइंस यूजली लाइक कैप्ट एज अ सिक्योरिटी उनको बेच के आप सडन पैसा दे सकते हो क्योंकि काफ़ी कंपेरेटिवली लिक्विड रहती है आसानी से बिक जाती खरीदी जाती है ठीक है तो अगर जैसे कोई इंसान बीमार हो बच्चों की पढ़ाई हो घर रिपेयर करना हो घर बनवाना हो तो बेच के किया जा सकता है और बेसिकली इट्स लाइक इफ़ यू रेयर देम विल हैव किड्स राइट सो देन यू कैन स्लोली स्लोली कीप दैम फीड दैम एंड हैव मोर एंड देन सेल इट इसेंशियल लाइक दैट उसके अलावा <coughs> मूविंग बैंक्स का काम करती है, एक सिक्योरिटी देती है ओनर को इम्प्लॉयमेंट कई सारे इंडिया में लोग हैं जो इलिटरेट हैं आज भी या उनके पास उस तरीके की स्किल नहीं है तो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत मिनिमम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऐसी स्किल है जो बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है तो ये उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत काम आता है उसके अलावा आ, अगर जैसे जो जो लेबर हैं एग्रीकल्चर लेबर्स हैं जो कि सिर्फ uh, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है जो दूसरे के लैंड में एग्रीकल्चर सीजन में काम करते हैं अब वो लोग उस सीज़न में तो उनको पैसा मिलता है बट वॉट वुड दे डू इन रेस्ट ऑफ देम रेस्ट ऑफ़ द सीज़न जब फार्मिंग नहीं हो रही है या किसी कारण से फार्मिंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ड्रॉट है सूखा है तो क्या होगा तो उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि वो अपने यू you नो know, अपने आप को लैंडलेस और पीपल uh, जो है दे कैन यू नो कीप दीज ये अपसाइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं और लिट विल सपोर्ट देम जब फार्मिंग ज़्यादा नहीं हो रही है या जब वो उन महीनों में जब जहाँ पर फसल की कटाई नहीं हो रही है एज अ फूड ओबियसली इंडिया में आज भी मल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है तो आ, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन आता है जानवरों से स्पेशली इन फॉर्म ऑफ दूध मिल्क घी मीट एग्स एंड सो ऑन सोशल सिक्योरिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी मिलती है जानवरों से जिस तरीके से हम गोल्ड को यूज़ करते हैं उस तरीके से जानवर भी इस्तेमाल किए जाते हैं लैंडलेस uh, uh, जो लेबर हैं उनको एक uh, जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए एक uh, एक तरीके से सिक्योरिटी होती है प्लस शादियों में यूजुअली दिया जाता है इंडियन कल्चर का भी पार्ट है पहले तो घर हाउस वार्मिंग में काउस गिफ्ट की जाती थी ठीक है कई सारे एरियाज़ uh, में वर्शिप भी किया जाता है uh, इनको कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं इनके नाम से प्लस uh, कई सारे लोग को अटैचमेंट भी हो जाता है आई पर्सनली हैव सीन अ फ्यू फैमिली मेम्बर्स हु

जो लोग कमर्शियल चीज़ों के लिए बेचने के लिए जानवर पालते हैं वो उनको इतने अच्छे से डील नहीं करते जैसे हम पेट्स को करते हैं बट द काइंड ऑफ लव आई हैव सीन ऑल दो द इंडस्ट्री इज रियली बैड सब लोग नहीं रखते बहुत कम लोग हैं जो अपने जानवर को बहुत अच्छे से रखते हैं ज़्यादातर देर अ लॉड ऑफ़ टॉर्चर टू एनिमल्स इन इंडस्ट्रीज़ अगर आप कोई भी वीगन मूवमेंट की डॉक्यूमेंट्री देख लो इट विल शो यू द वे पीपल टॉर्चर एनिमल्स एंड स्पेशली दिस डेज आई एम ऑल्सो सींग अ लॉड ऑफ वीडियोज़ कमिंग अप ऑफ पीपल हार्मिंग कम्युनिटी एनिमल्स लाइक स्ट्रे डॉग्स फॉर नो रीज़न बट इंटरटेनमेंट विच आई थिंक इज क्वाइट बारबेरिक तो अब लाइक स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश उसके बाद राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल उसमें अगर इम्प्रूवमेंट देखा जाए मिलियन में दो हज़ार बारह और उन्नीस का डाटा तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में तो वन परसेंट कम ही हुआ है राजस्थान में भी कम हुआ है लेकिन सबसे सब्सटैंशियल ग्रोथ यूल सी इन तेलंगाना एंड वेस्ट बेंगाल सॉरी हाँ वेस्ट बंगाल ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी टू परसेंट चेंज इम्प्रूवमेंट हुआ है पॉजिटिव मतलब बड़ा है उसके अलावा विल सी गुड अमाउंट ऑफ चेंज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका मार्जिनल चेंज प्लस विल सी अ मीडियम टू लार्ज चेंज इन बिहार आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश सो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है बट ओवरऑल देखा जाए गुजरात में भी दे आर नॉट यू नो दे आर गोइंग नेगेटिव बट जनरली ओवरऑल देखा जाए तो यू कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक बढ़ ही रही है एंड uh, उनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो देखो वी आर फर्स्ट तो टू थर्टी पॉइंट फाइव एट मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्ट बनता है एंड इंडिया जो है उसकी रैंकिंग फर्स्ट है एग्ज़ में थर्ड है कितने वन थ्री एट पॉइंट थ्री एट बिलियन उसके बाद मीट में नाइन पॉइंट सेवन सेवन मिलियन टन्स इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है वूल की भी नहीं है लेकिन फिश में वी आर थर्ड विथ 175.45 लाख फाइव तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे मीट और वूल के बारे में सो इंडिया इज़ क्वाइट अप देयर व्हेन इट कम्स टू लाइ स्टॉक इट्स वन ऑफ द क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है तो उसके साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑलमोस्ट आता है लाइफ स्टॉक रेयरिंग सो इट इज़ ऑल्सो एज बिग एज इज एवरेज यील्ड की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ काउज एंड बफेलोज है तो so, एग्जॉटिक है वो इलेवन क्रॉस ब्रीड जो होती है वो एट पॉइंट पर डे देती है इंडिजिनस मतलब इंडिया की जो इंडिजिनस गाव है वो 4.17 देती है नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं है 2.8 बफेलो 6.7 नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो 4.8 गोट 0.5 तो दिस इज बेसिकली यील्ड कितनी देती है एक गाय मिल्क के फॉर्म में इंडिया जो है मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है थर्ड है एक का और एट्थ है मीट का प्लस आ, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि इंडिया जितना मिल्क और एग्स प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी स्टेडीली इंक्रीज हो रही है पिछले कुछ सालों में दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द स्टोरी स्लोली बिकमिंग मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन टू दिस बिजनेस नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की बात की जाए तो क्या है इंडिया क्या करना चाहती है इंडिया के लाइफ स्टॉक मिशन में सबसे पहले तो दे वॉन्ट दे इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन और इसका एम ये था कि सस्टेनेबल और कंटिन्यूस ग्रोथ हो इन लाइफ स्टॉक सेक्टर उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव इंप्रूवमेंट हो मतलब कि नॉट ओनली कि हमारे नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स बढ़े बट अच्छी क्वालिटी के लाइफ स्टॉक हो ठीक है प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि लोग आसानी से यू you नो know, जो जैसे अब किसी भी बिज़नेस में या किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो लोग जो uh, इनका इस्तेमाल करते हैं इन प्रोडक्ट्स का वो जो इनको रेयर करते हैं उसके अलावा जैसे आप गा लाइफ स्टॉक की बात करो तो वेटनरीज की भी जरूरत पड़ेगी मेडिसिन सेक्टर में भी जरूरत पड़ेगी ताकि वेटनरी दवाइयाँ मिले तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना क्योंकि अगर आपके पास आप लाइफ स्टॉक बढ़ा रहे हो लेकिन आपके पास इनफ वेटनरीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा मिल्क और एग बना लिया लेकिन लोग कंज्यूम नहीं कर रहे तो इसलिए आपने देखा होगा बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एड्स भी आते थे मिल्क और एग को लेकर ओके बिकॉज वी वॉन्ट यू हैव टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर जहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेकर या एक्सपोर्ट हो रहा है इम्पोर्ट हो रहा है वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक और एवरी इन बिटवीन दैट इज़ नीडेड फॉर अ गुड फ्लरिशिंग लाइफ स्टॉक उस सबको एक साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है फीड और फॉडर अवेलेबल हो क्योंकि जानवर जो चीज़ खाते हैं वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल हो उसके बाद रिस्क कवरेज हो कि अगर किसी कारण से यू you नो know, जैसे कोई भी चीज़ होती है हमारा जैसे गोल्ड होता है या कोई भी चीज़ होती है उसकी सिक्योरिटी करते हैं हम अपनी हेल्थ की सिक्योरिटी करते हैं वैसे जानवरों की भी जो है उनके ऊपर हम उनको रखना एक रिस्क होती है राइट कि उनको कुछ भी हो सकता है दे कुडाए दे कोड गेट अ डिजीज़ तो उसका कैस किस तरीके से यू नो वी कैन वर्क अराउंड इट कि लोगों को सिक्योरिटी फील हो उसके बाद क्रेडिट फ्लो हो ताकि लोग आसानी से खरीद और बेच सकें लाइफ स्टॉक्स प्लस फार्मर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को पुश करना ऑर्गेनाइजेशन को पुश करना कि वो फार्मर्स और रियरर्स को जो है लाइफ स्टॉक और वो लाइफ स्टॉक बढ़ाएं इसके लिए पुश करना प्रायोरिटी दें वो ज़रूरत है अब ये जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है इसके चार सब मिशन है सबसे पहला है फॉर्डर एंड फीड इस वक्त हमारे पास जितने लाइफ स्टॉक है उतना फीड अवेलेबल नहीं है द ऑब्जेक्टिव इज कि हमारा जो फीड डेफिसिट है फीड इज बेसिकली द फूड दैट एनिमल्स ईट तो उसको नील पे लेके आना एंड वी शुड हैव गुड क्वालिटी ऑफ़ फीड अवेलेबल फॉर आर एनिमल्स नेक्स्ट सबमिशन इज लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट हाँ बेसिकली आज भी बहुत प्रिमेटिव uh, uh, तरीके से लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट किया जाता है तो इसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है इंटरप्रिनरशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मॉडर्नाइजेशन करें स्टेट फार्म का बायोसिक्योरिटी पर ध्यान दें कंजर्वेशन करें ब्रीड्स का स्लॉटर हाउसेज uh, जो हैं रूरल स्लाउटर हाउसेज उनका यू you नो know, उन पर काम करें फॉरन एनिमल्स एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस इन सब चीज़ों पर ध्यान दें बेसिकली अगेन लाइफ स्टॉक रखना के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे जुड़ी हुई होती है उन सबको एक साथ डेवलप करना मेंटेन करना वो भी जरूरी है अदरवाइज सिर्फ आप अगर लोगों को पूछ करो लाइफ स्टॉक रख बढ़ाओ लाइफ स्टॉक बढ़ाओ दैट इज नॉट इनफ यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट अदर थिंग्स आर ऑल्सो इन लाइन विद दैट और तीसरा सब मिशन है पिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट जैसे कई सारे आ, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने उसमें बेसिकली वी नो दैट कई सारे रिलीजियस सेक्टर्स हैं जिसमें आ,

डू एल वर्थ है वी ऑल्सो यूज टू गेट मीट फ्राम दैम प्लस वील्जो डिस्पोज ऑफ आर वेस्ट प्रोडक्ट्स तो कई सारी कम्यूनिटीज एट सम पॉइंट यूज टू एक्चुअली यूज पिग्स ओके बट इंडिया में क्योंकि नॉन वी आर वी आर अटे कंट्री जहाँ पे वेजिटेरियनिजम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडियन कल्चर में पोक का इतना ज़्यादा Uh, वो नहीं है बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है तो बेसिकली इट इज़ अ इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग प्रोटीन एंड इट इज़ वन ऑफ द वन ऑफ अ गुड वे ऑफ यू नो बेनिफिटिंग फ्रॉम लाइफ स्टॉक ऑफ पिग्स तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना ये एक है और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी बहुत प्रिमेटिव तरीके से चीज़ें होती है वी स्टिल डू नॉट हैव अ गुड यू नो सॉर्ट ऑफ लेबोरेटरी टाइप सेटअप जहाँ पे uh, जानवरों कि इन ब्रीडिंग पे यू नो इवन टुडे अगर आप मान लो पेट भी वैसे तो पेट कभी खरीदना नहीं चाहिए बट आप पेट खरीदने जाते हो अगर इफ़ टुडे यू आर गोइंग टू अर शॉप एंड बाइंग अ लेबराडोर दे कम रिडल्ड विद डिजीजेस बिकॉज ऑफ इंटरब्रीडिंग तो एक तरीके से वो वो रूल सेटअप नहीं है जिससे हम यू you नो know, एक अच्छा लाइफ स्टॉक मेंटेन कर सकें तो उसके ऊपर वर्क करने की भी ज़रूरत है uh, तो ये चार सब हैं uh, इनके दैन देर इज़ ए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉटीकल्चर हॉटीकल्चर क्या होता है इत डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव फ्र बेसिकली वो प्लांट की चीज़ें जो डेकोरेटिव या फिर चीज़ों के लिए यूज़ होती है या फिर किसी भी प्रकार के फ्लावर जिनसे ऑयल्सेंशल ऑयल्स जो सब बनते हैं प्लस एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन फल और फ्रूट तो इस बेसिकली ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ठीक है uh, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि ऑल दो एक तो पेरिशेबल बहुत ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि ये सब चीज़ें उगती है और फ्लावर अगर सही समय पे नहीं पहुँचे तो उनके चार पाँच छः दिन की दस दिन की लाइफ होती है दूसरा बहुत मेहनत लगती है ये उगाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है थर्ड कई सारी जगहों पर अपने इंडिया में कई सारी जगहों पर जो लार्ज फार्मर्स हैं ना वो प्रेफर नहीं करते हैं ये उगाना बिकॉज ऑलमोस्ट सोशल स्टिग्मा है कि जो लोअर कास्ट लोअर क्लास लोग होते हैं जिनके पास बहुत छोटे लैंड होते हैं ज़्यादा पैसे नहीं होते वो लोग यू नो इट्स लाइक इट्स सीन एज अ यू नो लेबरस स्लो वर्क तो कई बार जितने भी बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे लैंड होते हैं दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज उनको लगता है कि ये दिस इज़ लाइक बिनीथ देम तो एक वो भी प्रॉब्लम है इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं टू स्पॉन्सर इट बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नीडेड हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए काम किया जा रहा है सिक्सटी जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट uh, करती है फोर्टी स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट नाइन्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन दिस स्कीम बेसिकली लोगों को पैसा देती है सो एस टू देप करती है टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर ये एंटीटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है जिसमें हंड्रेड परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है मेन ईशू uh, क्या है बेसिकली इसका मतलब क्या काम करता है ये क्या मिशन है इसमें बेसिकली दे वांट टू गिव टेक्निकल एडवाइस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हॉर्टिकल्चर मिशन स्पेशली लाइक सेफ्रॉन मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मतलब कि लोगों को पुश किया जाए और उन्हें वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए जो चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रॉफिटेबल तरीके से हॉर्टिकल्चर कर सकें उसके बाद सीड्स की क्वालिटी बढ़ाना प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना और अगर किसी कारण से पोस्ट हार्वेस्ट हर्वेस, हार्वेस्ट के बाद लॉस हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि इन, जो खराब भी बहुत जल्दी होते हैं फ्रूट वगैरह राइट वाइन पे ही खराब हो जाते हैं कई बार बहुत ईजीली खराब हो जाते हैं तो उन उस तरीके के लिए उनकी मार्केटिंग इम्प्रूव करना उनको यू नो लॉसेस में इंश्योरेंस देना उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना कि वो बहुत आसानी से अपना सामान जो है वो आ, प्रोसेस करके मार्केट में बेच सके इस सब के लिए बेसिकली हेल्प करना Uh, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसा कि मैंने बताया कि अब फार्मिंग में भी हॉर्टिकल्चर में भी देर आर पीपल जो यू नो ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको देर आर पीपल हु डू वैल्यू एडिशन टू दिस प्रोडक्ट लोग सीड्स बेचते हैं इन चीज़ों के उसके अलावा तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट uh, भी आपको लगेंगे इसके आसपास तो आइडिया अगेन यही है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफ जो हमने पहले देखी थी उस तरीके के एफ़ बनाना फार्मर्स के जो कि हॉर्टिकल्चर कर रहे हों और उनके इन्वॉलमेंट uh, दूसरे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्रेडिट एजेंसीज इनका इन्वॉलमेंट और फैम फार्म, फार्मर ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट हॉर्टिकल्चर में बढ़ाया जाए सो दैट इज द एम ऑफ दिस मिशन विद दिस द एंटायर सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज कंप्लीटेड तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इन इन इट सेल्फ इंटायरटी एग्रीकल्चर इज अ ह्यूज टॉपिक विच कवर्स अ लॉर्ड ऑफ आस्पेक्ट क्योंकि एक चीज़ नहीं है विद इन विद इन वन ऑल्सो देर आर मल्टीपल थिंग्स अब फार्मिंग में जाओगे तो दस तरीके के फ्रूट ग्रेन्स हैं उनके अपनी यू नो प्रॉब्लम्स हैं देन कैश क्रॉप्स हैं फिर वी नीड सम यू नो देर देर इज हॉर्टीकल्चर विच इज़ डिफरेंट दैन देर इज़ यू नो फ्रूट एंड अदर थिंग आर दे नीड देर ओन यू नो रिक्वायरमेंट लाइफ स्टॉक है प्लस इन बीच के साथ साथ साइंटिफिक कम्युनिटी है रिसर्च कम्युनिटी है एंड गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना है कि इसमें से कोई भी चीज़ Uh, मतलब गवर्नमेंट को पुश भी करना है कि यू नो फार्मर्स की इनकम डबल हो और यू you नो know, इंडिया फर्स्ट बन जाए इन सब चीज़ों में एट द सेम टाइम हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह का भी इंप्रूव करना है बट इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है ठीक है हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करनी है पर ये भी कोशिश करनी है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब ना हो तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पज दिस इज़ द रीज़न आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चीज़ें बहुत स्लो से होती है दूसरी दूसरी किसी न, सेक्टर में बहुत जल्दी से यू कैन अगर गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाए तो बहुत फटाफट इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोल हो गया लेकिन एग्रीकल्चर टेक्स टाइम सिम्पली बिकॉज ऑफ हाउ सेंसिटिव इट इज़ और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं पर भी किसी ने घपला कर दिया तो उसका सीधा असर फूड प्राइसेस पे पड़ता है और आपको पता है कि फूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो पॉपुलेशन डोंट लाइक इट तो इसीलिए कोई पॉलिटिकल एंटिटी इस बात को यू you नो know, इसको इस चीज़ का वो नहीं कोई उससे छिड़का नहीं करना चाहता पर इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है सो वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव इट लेकिन नो बडी टू रश इट बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक वुड मीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल डाई ऑफ यू नो एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल हैव नथिंग टू डू देयर लाइवलीहुड विल बी गॉन सो अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इकॉनमी विच इज ऑल्सो जिसमें स्टेक होल्डर्स सिर्फ लोग नहीं हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है बट हमारी पूरी इकोनॉमी के चलती है उस पर प्लस एवरीथिंग प्रटी मच रिवॉल्व अराउंड फूड एट द एंड ऑफ द डे राइट दैट्स वाई एग्रीकल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वाई यूल सी गवर्नमेंट वर्क वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर आई होप दिस क्लास वॉज इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग फॉर यू Uh, if you have any questions, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.